हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोटैप। इस सेशन में हम जनरल साइंस के 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन पर 75 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग तैयार हो इस सेशन के लिए थम्स अप दे दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, इन द चैट बॉक्स। हेलो, वेलकम शीतल, हेलो अरुणा, विशाल, वेलकम टू द सेशन, आरती, वेलकम टू द सेशन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और फटाफट से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अमित, वेलकम टू द सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, यहाँ पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो ये चीज पूछी गई है। यहाँ चार स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और इनमें से आपको फाइंड करना है कि विच ऑफ दीज इज करेक्ट। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हम देखते हैं इन द एग्जाम। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गौरव, अभिषेक, जे, प्रियंका, मानसी, जगदीश, महेंद्र, मानसी, बहुत बढ़िया टाइम पे हो आज तो, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देखकर। यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार शुरुआत, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, करेंगे इस सेशन की। फटाफट से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। व्हेन ऑल द पैरेलल रेस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सर्फेस आर नॉट पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज होते हैं वो पैरेलल नहीं है, इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर्स आर जनरली यूज्ड इन टॉर्चेस, ये चीज पूछी गई है। तीसरा है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड द लाइफ सेल, ठीक है, ये चीज पूछी गई है। फटाफट से इसका जवाब देना है। स्टेटमेंट जब भी आते हैं हमें थोड़ा सोच समझ कर उनका जवाब जो है देना पड़ता है, राइट दोस्तों। कई लोग इसका जवाब दे रहे हैं, बॉक्स का आंसर बी है। जगदीश भी कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सर्फेस आर नॉट पैरेलल, यानी कि पैरेलल रेज अगर किसी सर्फेस पर आ रहे हैं और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो इरेगुलर मैनर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट हो जा रहा है। तो बाकी स्टेटमेंट्स हमें कई बार जो है पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, पर एक बार एग्जाम में अगर ऐसा होता है तो आपको पढ़ लेना चाहिए। दूसरा देखिए, कॉन्वेक्स मिरर्स आर जनरली यूज्ड इन टॉर्चेस, टॉर्चेस की अगर हम बात करें तो उसमें हमें चाहिए कि जो भी रे है वो बहुत ही दूर तक जाए, तो जो हम यूज करते हैं वो एक्चुअली होता है एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो ये गलत है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया बताओ मुझे कौन सा लॉ डील करता है। जगदीश ने कहा फर्स्ट लॉ, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकेंड नहीं, फर्स्ट लॉ है दोस्तों यहाँ पर। और ये अगर हम देखें, रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने लाइव सेल नहीं किस चीज की डिस्कवरी की थी, आई होप उसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। डेफिनेटली विशाल, हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन की अगर हम बात करें तो सेल न्यूक्लियस से ये रिलेटेड है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं और यहां पर पहला स्टेटमेंट खाली सही है और वन का आंसर होगा ए, ओके, या PYQ भी है इस तरीके के। तो वो सारे स्टेटमेंट जो है आपको एक बार रिवाइज हो जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम जो है रिवाइज कर ले, यही हमारा मकसद है इस सेशन में। साथ में जो चीजें करंटली रिलेवेंट है उन पर भी हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ये जो है फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड द लाइफ सेल, रॉबर्ट ब्राउन रिलेटेड किससे हैं, सेल न्यूक्लियस जो होता है उसकी डिस्कवरी करने से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू हमारे सामने, हमने देखा था पिछले बार का जो पेपर है उसमें जनरल साइंस के कई सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ गए थे और ये स्टेटमेंट्स अगर एग्जाम में पूछ लिए जाते इसी तरीके से तो जो है आंसर करना हमारे लिए कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर से आपके सामने, यहाँ पूछा क्या गया है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, ठीक है, तो ये हमें देखना है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दूसरा स्टेटमेंट है, यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स हूज सेल्स आर विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो हमने देखा था पिछली बार का पेपर भी अगर आप देखो तो बायोलॉजी जो है थोड़ा सा डीप पूछ लिया गया था, तो हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, रोलर्स लगाए जाते हैं लगेज में टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड मेक इट इजियर टू पुल, ठीक है, तो ये पूछा गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनने हैं। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया, गगन, मोनिका, गुड बॉय, गुड बॉय ने सीख रहा है, मोनिका ये कह रहे हैं, एचएस एस्पिरेंट, अभिषेक ने स्किप किया है, मनिंदर, जे, वॉक्स, प्रियंका, मानसी, अमित, गौरव, सभी का आंसर है इंटरचेंज स्टेटमेंट्स, ओके, देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक यानी कि ऐसे सेल्स जिसमें
न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो वो अच्छे तरीके से फॉर्म्ड नहीं होता है। सेल है, उसका सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर मटेरियल आपको कई सेल्स में देखने को मिलेगा, बट उसका न्यूक्लियस सही से फॉर्म्ड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, या फिर न्यूक्लियस जो है फॉर्मेशन उसका नहीं होता है, राइट। तो ये चीजें अगर हम देखते हैं उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यहां क्या कहा गया, प्रोकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, गलत है। यूकैरियोट्स हम जो है वो भी यूकैरियोट है, और यूकैरियोटिक सेल्स में हम ये देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस पार्ट होता है और इसका एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होता है, राइट। तो इस वजह से विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, ये दोनों गलत है। तीसरा क्या सही है, रोलर्स एंड लगेज रिड्यूस फ्रिक्शन, यस रोलर्स इसीलिए यूज करते हैं, इस वजह से हमारा सही जवाब हो जाएगा। ए, जिन्होंने भी ए जवाब दिया है वो सही है, 1 and 2 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, बायो सो बैड, ओके राइट। तो हमें इतना बर्डन लेकर नहीं पढ़ना है, बस जो जो टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं, इस सेशन में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम जो है कवर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट क्या, हम सारे ही टॉपिक्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, इफ नॉट आप एक बार जो है रिवाइज फिर से पीडीएफ से कर लीजिएगा, राइट। तो इतना टेंशन आप मत लो, आराम से जो है पढ़ो। जगदीश ने गौरव आपको मैं कहूंगा, यहाँ देखिए ऐसा यूनिट और लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में ऐसा यूनिट दिए गए हैं, यहाँ राइट साइड आपको जो है उनको मैच करना है। सबसे पहला यहाँ पर क्वांटिटी दिया गया है, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जब आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी इस वर्ड को सुन रहे हो, क्या ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आपको लग रहा है, तो आप वो मुझे बता सकते हो इन द चैट बॉक्स, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, या फिर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चार चीजें आपके सामने, बहुत बढ़िया ज्योति, बहुत बढ़िया। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, बहुत सही ज्योति, ये चीज हमें ध्यान में जो है रखनी चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, फटाफट मैच करते हैं, ये है कैंडेला। तो कैंडल जो है वो ल्यूमिनसिटी से जुड़ा हुआ है, लाइट से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ऑल्दो दिस इज नॉट द मेन कॉन्सेप्ट जिसके वजह से ये नाम रखा गया। तो ए जैसे ही हमने 2 से मैच किया तो ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये मैच हो रहा है विद द एम्पियर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इस तरीके का स्टेटमेंट, इस तरीके का जो है क्वेश्चन पिछली बार आया भी था। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, विथ आई, जो कि वोल्टेज भी कहते हैं इसे, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वी कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये जो है C3 से मैच हो रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम जानते हैं वो कूलम है। तो फटाफट से मुझे बता दो दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या ये एक फंडामेंटल यूनिट है, यस। ये तो इजी था, इसी तरीके के जो है इजी ही आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ता है। फटाफट से चार्ट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो वो क्या एक फंडामेंटल यूनिट है, ये हमें पता होना चाहिए। बॉक्स ने सारे बता दिए हैं यहां पर, बहुत बढ़िया, बॉक्स ने सारे के सारे बता दिए हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का बताओ, तो इसको अगर हमने इस तरीके से मैच किया, हम देख सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इससे मैच हो रहा है, इससे हमारा सही जवाब हो जाता है बी, ओके, यस। इलेक्ट्रिक चार्ज, लेट मी टेल यू दोस्तों, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फंडामेंटल यूनिट, याद रखिएगा। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, और ये चीज पूछा भी गया है कमीशन के द्वारा इन सम ऑफ द एग्जाम्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, करंट इज द फंडामेंटल यूनिट, याद रखिए इस चीज को। आगे बढ़ते क्वेश्चन 4, दो स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं, यहाँ दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं उसके बेसिस पर आप एबीसीडी आंसर करोगे। ये इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हो। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये पूछा गया है, बहुत बढ़िया ज्योति, एब्सोल्युटली करेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट इज समथिंग, सॉरी, विच इज अ फंडामेंटल यूनिट, पर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। स्लेकेड लाइम की अगर हम बात करें, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट, स्लेकेड लाइम की बात की गई, स्लोली क्रिएट्स अ लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग से रिलेटेड भी पूछा गया है इन द एग्जाम। तो हमें पता होना चाहिए, अमित का आंसर आ गया, ए कह रहे हैं, प्रियंका भावना ए कह रहे हैं, नेक का आंसर ए है, नेक आई थिंक आप मेरा पहला सेशन अटेंड कर रहे हो आफ्टर सो मेनी डेज, ओके। महिंदर
सभी का आंसर जो है ऑलमोस्ट ए है। यहाँ देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो क्या हमें कोई फिनोमिनन याद आ रहा है दोस्तों? फटाफट से मुझे बता दो अगर हमें कोई फिनोमिनन याद आ रहा है ये पहला स्टेटमेंट पढ़कर। ऑल्दो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, स्लेकेड लाइम ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। स्लेकेड लाइम का अगर आप लोग को पता है कि फॉर्मूला क्या है या फिर कौन से उसमें एलिमेंट्स इंक्लूडेड है तो आप मुझे बता सकते हो। एब्सोल्युटली करेक्ट वॉक्स ये जो है एसिड रेन से रिलेटेड है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये एसिड रेन से रिलेटेड है। स्लेकेड लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं, ये अप्लाई किया जाता है ऑन द वॉल्स और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट ये फॉर्म होता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट और वो वॉल्स को जो है व्हाइट वॉशिंग के समय बहुत ही टफ एंड हार्ड अच्छे से रखता है। स्लेकेड लाइम इज एक्चुअली CaOH twice, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, भूलना मत दोस्तों। ये वॉक्स का आंसर सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज राइट, दोनों ही करेक्ट है। हमारा सही जवाब होगा ए, ए एब्सोल्युटली करेक्ट है जिसने भी ये जवाब दिया है। यस, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगेन यहां पर आपको जो है मैच करना है, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस दिए गए हैं दूसरे साइड पर ऑर्गेनिज्म में, दूसरा है बडिंग, तीसरा है बाइनरी फिशन, चौथा है रीजेनरेशन। अगेन थोड़ा सा जो है बायोलॉजी, यहां देखिए प्लानेरिया, हाइड्रा, प्लास्मोडियम, स्पायरोगायरा ये कुछ ऑर्गेनिजम्स है और इनको जो है हमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस से मैच करना है। कुछ यहां पर जो रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस है उनको तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बाकी आपको थोड़ा सा डाउट होगा, ठीक है। यहां पर ऐसा ही एक अगर हम देखें तो बडिंग तो आपको पता होगा कि ये हाइड्रा से मैच हो रहा है, राइट। तो ये चीज आपको डेफिनेटली पता होगा, बडिंग जैसे ही हमने इसको मैच किया, B2 हमने मैच किया तो हमारे ये दो जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो रहे हैं। बाइनरी फिशन इसके बारे में पता होगा कि दो जो है मदर सेल दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही ये होता है ये चीज हम देख सकते हैं समथिंग कॉल्ड प्लास्मोडियम, ठीक है। तो C जो है 3 से मैच हो रहा है और इसके साथ वी कैन से कि B इज द राइट आंसर। अब बाकी दोनों देखते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता ये है कि स्पायरोगायरा नाम के ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंपली पीसेस में डिवाइड होते हैं और ईच इंडिविजुअल पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब रीजेनरेशन की अगर हम बात करें, प्लानेरिया नाम का एक जो है ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर आप पीसेस में कट भी कर दो तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो फिर से ईच एंड पीस रीजेनरेट कर लेता है, राइट। तो इस चीज को हम रीजेनरेशन कहते हैं और ये प्लानेरिया नाम के इस ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इसी तरीके से हमने मैच किया और बी इज द राइट आंसर हियर। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ये चीजें जो है बेसिक्स है जो हमें पता होना चाहिए। सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको जो है पढ़ने में आसानी होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से दोस्तों, विच ऑफ दीज आर करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट देखिए आर्टरीज, इनके बारे में पूछा गया है, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये पूछा जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है वेन्स के बारे में, वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, इतना बेसिक तो हमें पता ही होगा। तीसरा देखते हैं रेस्टिंग पर्सन की अगर हम बात करें उनकी पल्स रेट कितनी होगी, 72 से 80 बीट्स पर मिनट, इज दिस राइट, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको यहां पर इसका जवाब देना है, फटाफट से इनका जवाब दे दीजिए। मोस्टली आंसर्स यहां पर आ रहे हैं डी, जगदीश कह रहे हैं 1, 2, 3 सही है, मानसी के हिसाब से डी इज राइट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनने हैं और मोस्टली सभी का आंसर डी है। यस, यहां देखिए आर्टरीज की अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, हार्ट से ये पूरा ऑल द बॉडी पार्ट्स में जाता है, सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वेन्स की अगर हम बात करें उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बॉडी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हम इसे कह सकते हैं जैसा कि ज्योति कह रहे हैं, उसको पंप किया जाता है या मूव किया जाता है इनटू द हार्ट, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। रेस्टिंग पर्सन की अगर हम बात करें तो 72 to 80 बीट्स पर मिनट होता है, ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। कमीशन कई बार इसी तरीके के क्वेश्चंस नंबर्स जो है बहुत ही इजीली एग्जाम में आ जाते हैं, राइट। यस, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एनी वॉल्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड हैव वेरी थिक वॉल्स, ओके। प्लीज वॉक्स एक बार चेक कर लेना,
whether that is right. यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम लेटेस्ट हम कह सकते हैं करंट अफेयर है ये, और इस तरीके के क्वेश्चन हम जो है जनरल साइंस के हमारे सब्जेक्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. पूछा क्या गया है, नोबेल प्राइज 2022 के जो अनाउंस हुए हैं उनको आपको मैच करना है विद द फील्ड. यहाँ पर नाम आप देख सकते हो, ये सारे जो है अनाउंस हो चुके हैं और यहाँ पर आपको फील्ड जो है देखने को मिल रहा है. ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दे दिया. 7th का सी कह रहे हैं महिंदर भावना नेगो के. देखते हैं फटाफट से स्वांते पाबो के अगर हम बात करें तो इनको हम मैच कर सकते हैं विथ वॉट, वी कैन मैच हिम विथ मेडिसिन. कैरोलिन आर बेटोजी, इनकी अगर हम बात करें, इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री नाम की जो है नया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में कहा है और उससे रिलेटेड रिसर्च की है, तो बी हम मैच कर सकते हैं विथ केमिस्ट्री. अलाइन एस्पेक्ट, ये जो है ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं जो कि क्वांटम एंटेंगलमेंट नाम का जो प्रोसेस है उस पर रिसर्च की है फिजिक्स में. एनी अर्नॉक्स, इनके अगर हम बात करें तो लिटरेचर में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है और ये जब जैसे हम मैच कर रहे हैं A1 हमने मैच किया और B3 जैसे ही हमने मैच किया हमारा सही जवाब C आ जाता है. आई होप ये सारी चीजें जो है आपको काफी ज्यादा रिलेवेंट लग रही होंगी. यस, एकदम लेटेस्ट ये जो है न्यूज है, बट देन एग्जाम में आ सकता है, आपको पढ़ लेना चाहिए. इससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्लाइड्स में जो है दी गई है, आराम से इसको जो है अगर अभी तक आपने इसको कवर नहीं किया है तो कवर कर लेना. यस, 2022 के नोबेल प्राइज विनर्स के नाम आ गए हैं. लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जो पीस प्राइज है वो एलिस बियाल्याट्स्की इनको मिला है अलॉन्ग विथ सर्टन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, दो और ऑर्गेनाइजेशन और इनको जो है ये मिला है. ये कैंसर ट्रीटमेंट में काम आएगा ये जो मेथड है. एब्सोल्युटली करेक्ट, क्लिक केमिस्ट्री की जो बात की गई है एंड देन इवन क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये सारी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं. नो प्रॉब्लम जे, मुझे जो है वापस रिटर्न में यही चाहिए कि आप 16th के इवनिंग को बोलो कि बहुत अच्छा गया सर पेपर, राइट, एंड बहुत अच्छा जाएगा. यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इस लास्ट के समय में हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं, अपने आप पर कॉन्फिडेंस तो रख सकते हैं कि वील अटेम्प्ट द पेपर, वो जो हमारे घंटे हैं वो अच्छे से हम यूज करेंगे, राइट. तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनने हैं. पहला स्टेटमेंट क्या है, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ये कहा गया है. दूसरा स्टेटमेंट है ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर. तीसरा देखें, इवेपोरेशन इज अ बल्क फिनोमिनन व्हाइल बॉइलिंग इज अ सरफेस फिनोमिनन. ठीक है, यहां पर काफी सारे हम कह सकते हैं कि टर्म्स पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड सभी कुछ पूछा गया है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि काफी वेरिड आंसर्स आएंगे. गुड बॉय का आंसर सी है, अभिमन्यु डी कह रहे हैं, मानसी सी कह रहे हैं, कोमल का भी है, चलो ये भी सी डी हो गया. अब सी जो है HS एस्पिरेंट प्रियंका सी कह रहे हैं, काफी वेरिंग आंसर. फटाफट से देख लेते हैं, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स अगर इसकी हम बात करें, इनकरेक्ट पूछा गया है, काफी कंफ्यूज होने के चांसेस हैं. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज एक्चुअली हाइड्रोजन. ठीक है, इट इज हाइड्रोजन एंड नॉट नाइट्रोजन. अगर हम मोस्ट अबंडेंट गैस एलिमेंट नहीं, गैस जो हमारे एटमोस्फियर में है उसकी बात करेंगे तो होगा नाइट्रोजन. ठीक है, ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है. यस, एटमॉस्फेयर में हाईएस्ट जो अबंडेंस है वो हम कह सकते हैं इज ऑफ दिस स्पेसिफिक नाइट्रोजन. ठीक है, एटमॉस्फेयर में गैस की अगर हम बात करें, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट है हमारा ऑक्सीजन. तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, पहला इनकरेक्ट है. तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इवेपोरेशन इज बल्क फिनोमिनन. ठीक है, इवेपोरेशन की अगर हम बात करें और बॉइलिंग की बात करें तो बॉइल कैसे होता है दोस्तों, जब पानी को हमने हीट किया तो बॉइल होता है फ्रॉम इनसाइड, यहां से शुरू होता है बॉइलिंग, यहाँ बबल्स बनते हैं और ये पूरा जो है इस तरीके से कन्वेक्टिव करंट जो है वो इन बबल्स का मूव होता है. बट इवेपोरेशन खाली सरफेस से होता है, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो खाली इवेपोरेट होते हैं और मूव होते हैं. ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो इवेपोरेशन इज बल्क फिनोमिनन, ये गलत है, क्योंकि बल्क फिनोमिनन क्या है, बॉइलिंग, बॉइल जब होता है, जब बबल्स आते हैं तभी हम कहते हैं ना बॉइलिंग हुआ है, देन दैट इज अ बल्क फिनोमिनन नॉट इवेपोरेशन. बॉइलिंग की अगर हम बात करें तो वो सरफेस फिनोमिनन नहीं है, ये बल्क फिनोमिनन है. दोनों इंटरचेंज किए गए हैं एंड सो ये स्टेटमेंट भी गलत है. 1 एंड 3 आर रॉन्ग, इसीलिए सी हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा, इनकरेक्ट.
डिफिकल्ट है ये, क्योंकि इवन दो आप चीजों को सही से निकाल लाओ, यहां पर हम गलती कर सकते हैं कि करेक्ट या इनकरेक्ट है। तो ये चीज हमें देखनी है ध्यान से एग्जाम में, जो है आप ये चीज करो, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया है। आई होप ये चीजें जो है आपको समझ में आ रही होंगी। यस, हाइड्रोजन इन द यूनिवर्स इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ये चीज आप याद रखिए। लेट मी रिमाइंड यू कि हमारा जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, इस लास्ट मोमेंट पर भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दैट इज अवेलेबल फॉर 299 रुपीज, और 14 अक्टूबर तक जो है एक्सटेंड किया गया है इसकी वैलिडिटी। इस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इज अगेन नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। राइजोबियम एंड लेग्यूम्स हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये चीज कही गई है। अगेन इस तरीके की स्टेटमेंट्स एग्जाम में हम देख रहे हैं दोस्तों, इसी वजह से ये पूछा जा रहा है, काफी टेक्निकल जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखो बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है, व्हाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये कहा गया है दूसरे में। तीसरा देखो, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल इज 29, ध्यान से इसको पढ़ना है एंड आंसर करना है। काफी वेरिंग आंसर्स, डी बी ए भी आ रहा है, सिल्कॉट ने बी कहा है, वॉक्स डी कह रहे हैं, सौरभ का आंसर बी है, महेंद्र ए कह रहे हैं, महेंद्र को भी बहुत दिनों बाद देखा, कविता का आंसर बी है, राइट? ओके, तो हाँ आई नो कि लास्ट स्टेटमेंट में ही थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूजन होगा, बट विदाउट एनी डाउट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ज्योति, विदाउट एनी डाउट हमें ये पता है कि जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है वो होता है बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। तीन तरह के हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का मेन फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, WBC is the immunity, and platelets की अगर हम बात करें तो clotting of blood। तो B is absolutely correct, जो कि एक incorrect statement है। ये statement तब सही हो जाता है, इसका confusion आपको नहीं लेना है। Human face की अगर हम बात करें तो 14 जो है bones होते हैं, number of bones। Human skull की अगर हम बात करें तो 29, ठीक है। तो ये कुछ important, बहुत ही जरूरी जो हमारा skeletal system है, इससे related भी questions आते हैं, यहाँ पर आपको facts दे दिए गए, फटाफट से याद कर लीजिएगा, एंड ये चीजें जो है आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि स्मॉलेस्ट बोन जो है स्टेप्स हमारे ईयर में होता है, इस तरह की चीजें आप याद रख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट बोन इज फीमर, ठीक है, थाई बोन भी उसे कहा जाता है, राइट? तो यहां अगर हम देखें तो बी वाज द राइट आंसर, एंड दिस इज 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 देखिए, अगेन स्टेटमेंट, यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने हैं। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ये पूछा गया है। दूसरा कहा गया है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर्ड टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, करेक्ट स्टेटमेंट्स, अगेन ये चीज आप याद रखिएगा। ट्राइबोमीटर की अगर हम बात करें, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, हमारे एनसीईआरटी से निकाला हुआ स्ट्रेट अवे ये स्टेटमेंट है। फटाफट से इसका जवाब देने की कोशिश करिए दोस्तों। यस, सिमरन कह रहे हैं बी इज द राइट आंसर हियर, प्रियंका डी कह रहे हैं, जे ने स्किप किया है। यस आई नो, फोर्थ थर्ड जो स्टेटमेंट है उस पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। साहिल कह रहे हैं सी विथ स्लाइट डाउट, ओके फाइन। तो यहाँ एच एस एस्पिरेंट डी कह रहे हैं, वॉक्स ने स्किप किया है, राइट? तो देखते हैं, अगेन काफी वेरिंग आंसर्स। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ये चीज सही है, लिपिड मॉलिक्यूल्स उन्हें कहा जाता है, इनसे जो है सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, ये स्टेटमेंट भी पूछा गया है। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ये चीज भी सही है। ट्राइबोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए, ये चीज भी सही है। सो डी इज द राइट आंसर एंड एब्सोल्युटली करेक्ट। गगन, भावना, अभिषेक का भी आंसर सही है, जगदीश, इट इज डी, ज्योति का भी आंसर सही है। ओके, तो यहाँ जो है अलग अलग तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत ही ज्यादा आपको जो है हेल्प करेगा ये, राइट? तो ये आप एक बार पढ़ सकते हो, इन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंटिस्ट एंड उनके डिस्कवरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीजें हमने अपने एनसीईआरटी के सेशंस में भी कवर कर चुके हैं, एग्जाम में भी ये बहुत ही आराम से जो है आता है। यहाँ साइंटिस्ट के नाम और उनके डिस्कवरीज पूछे गए हैं, इनको आपको मैच करना है। देखिए क्या पूछा गया है, विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक,
ठीक है, यहाँ पर आई थिंक एक जो है बहुत ही सबको पता होगा इसके बारे में, बाकी दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का फाइंड किया है, ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड ग्रुप्स इनसे रिलेटेड जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। मोस्टली सभी का आंसर 11th का ए दिया जा रहा है, फटाफट से देख लेते हैं। तो विलियम हावे जो है इन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इसके बारे में कहा था, कार्ल लैंडस्टीनर ये इन्होंने ब्लड ग्रुप्स के बारे में कहा था और इन्हें जो है नोबेल प्राइज भी मिला है। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक की अगर हम बात करें तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, अगर आपको ये भी पता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में भी पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो दो ऑप्शंस को। कार्ल लैंडस्टीनर इसके बारे में अगर आपको पता है तो आराम से आप करेक्ट ऑप्शन जो कि ए तक पहुंच सकते हो। सो दिस इज द राइट थिंग, ए एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इसकी जो है पूरी एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दी गई है, बहुत ही इजी। अब थोड़ा सा रिलैक्स हम कर सकते हैं, इनिशियली हमने जो है काफी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे, यहाँ देखो, फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यू टू द पिगमेंट, ये जो है नाम मैं पढ़ने भी नहीं वाला हूँ, बहुत ही फटाफट आपके आंसर्स आने चाहिए। फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है कमीशन का, गलत आंसर बिल्कुल मत देना है इसमें। ऑलमोस्ट सभी का आंसर ए है, अभिमन्यु, आरती, मानसी, जगदीश, वॉक्स, कविता, नो डाउट एट ऑल इन दिस। यहाँ क्लोरोफिल इज द राइट आंसर, ठीक है। इन दोनों के बारे में क्या आप मुझे बता सकते हो, गिबरलिंस और एसिबिक एसिड, ये दोनों क्या है, और हीमोग्लोबिन के बारे में तो हम जानते ही हैं, ये पिगमेंट है जो कि बाइंड करता है विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे रेड ब्लड सेल्स में उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इन दोनों की अगर मैं बात करूं, डू यू नो व्हाट दिस टू आर, एब्सोल्युटली करेक्ट भावना, ये जो है प्लांट हॉर्मोन्स है और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन्हें कहा जाता है। 13th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा गया है, कमीशन के भी क्वेश्चन अगर हम देखें तो बायोफिजिक्स केमिस्ट्री तीनों ही मिलाकर पूछ लेता है, तो इस वजह से ऐसे ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। ग्रोथ हॉर्मोन्स एब्सोल्युटली करेक्ट दोस्तों, सिमरन जे, अभिषेक, जगदीश एकदम सही है, आरती बहुत बढ़िया, राइट। तो यहां पर देखिए, विच ऑफ दीज आर करेक्ट, सेल वॉल के बारे में पूछा गया है, सेल वॉल लिविंग मेम्ब्रेन है ऑफ द प्लांट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। दूसरा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, जब उस बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ऐसे पकड़ो उसका जो है शेप्स, अगर आप ऊपर नीचे करते हो, चेंज करते हो उसकी ओरिएंटेशन, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी चेंज नहीं हो रही है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ये कहा गया है, ओके। यहाँ पर मोस्टली आंसर्स जो है बी आ रहे हैं, सिमरन बी कह रहे हैं, अभिमन्यु ने का आंसर डी है, आरती डी कह रहे हैं, महेंद्र डी, ओके, अभिषेक का भी डी है, जॉन का आंसर डी है, राइट, कई ने बी कहा है, सी भी कहा है, गुड बॉय का आंसर सी है, ओके। देखते हैं, यहां अगर हम देखें सेल वॉल की अगर हम बात करें, मोस्टली सेल वॉल को जो है नॉन लिविंग कहा जाता है, एंड एज वी नो प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल में और एकदम बाहर सेल वॉल होता है, जो ये सेल वॉल है इसे नॉन लिविंग कहा जाता है, क्योंकि जब सेल मर जाता है, व्हेन सेल डाइज, तब पूरे ये सारे जो है नष्ट हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी नष्ट हो जाता है, पर सेल वॉल जो है वो नष्ट नहीं होता, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, बाकी दोनों सही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत सही ये जो है स्टेटमेंट है, ओके। बॉडी डज नॉट चेंज विद चेंज इन ओरिएंटेशन, सॉरी दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पर जो है 2 and 3 दोनों ही सही है, आई होप दैट इज क्लियर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है चेंज नहीं होता अगर हम उसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करते हैं। डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, ये दोनों ही चीजें हमें पता है। 2 and 3 इज राइट एंड यस 2 इज ऑल्सो राइट, सॉरी फॉर दैट दोस्तों, 2 इज ऑल्सो करेक्ट यहाँ पर। आई होप सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन का आपको समझ में आ गया होगा। यस यस सॉरी फॉर दैट, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, या 2 भी सही था वहां पर, 2 भी उसमें जो है सही था, राइट। यहां देखते हैं, क्वेश्चन 14 में पूछा गया है, इन विच पार्ट ऑफ आर बॉडी डू व्हाइट ब्लड सेल्स फॉर्म, व्हाइट ब्लड सेल्स कहां पर फॉर्म होती, इसी तरह का क्वेश्चन हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं, ओके। आई विल चेक दैट क्वेश्चन भावना, राइट। तो यहां पर देखते हैं, विद इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डू व्हाइट ब्लड सेल्स फॉर्म, ये चीज पूछी गई है, लिवर, हार्ट, बोन मैरो या किडनी, ठीक है, ये चीजें पूछी गई हैं। और हम जानते हैं कि WBC, RBC ये सारे जो है वो फॉर्म होते हैं इन द बोन मैरो, देयर इज नो डाउट। प्रीवियस क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ओके, यहां पर दिया गया है कि डज इट डज चेंज, डज नॉट नहीं दिया गया है, डज दिया गया है, सो 3 ओनली विल बी करेक्ट और ये चीज जो है गलत होगी,
राइट यस थैंक यू सो मच भावना थैंक यू सो मच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी चेंज होता है विद द ओरिएंटेशन और हम जानते हैं कि ओरिएंटेशन आप कैसे भी रखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं चेंज होता तो डस दिया गया है सो दैट इज रॉन्ग सो थ्री ओनली इज करेक्ट ठीक है आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी यस 14th का आंसर है बोन मैरो एंड बोन मैरो सी इज द करेक्ट आंसर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है फटाफट से आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो यहाँ पर पूछ लिया गया विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स से आगे और यूनिट जो है वो आते हैं जिन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से है पूछा गया है मोल केल्विन वॉट इनमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट है वो आपको पूछा गया फटाफट से आपको जो है बताना है राइट 4500 टू 11000 WBC होते हैं पर माइक्रोलीटर साहिल बहुत बढ़िया थैंक्स लॉट साहिल फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से है वो पूछा जा रहा है मोल केल्विन वॉट ये तीन आपके ऑप्शन हैं मोस्टली सभी ने बी ओके हिमांशु ये कह रहे सौरभ का आंसर ए है सिमरन ने ए कहा है यस यहाँ अगर हम देखें तो मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका यूनिट है एंड मोल इज अ फंडामेंटल यूनिट केल्विन की अगर हम बात करें ये यूनिट है ऑफ टेम्परेचर और ये जो है एक फंडामेंटल यूनिट है लेकिन वॉट की अगर हम बात करें ये एक डिराइव्ड यूनिट है इसे हम फंडामेंटल यूनिट नहीं कहेंगे वॉट जो है डिराइव्ड यूनिट है और ये पावर का यूनिट है ठीक है पावर का यूनिट है वॉट एक डिराइव्ड यूनिट है ये डिराइव किया जा सकता है फ्रॉम वोल्टेज एंड करंट ये दोनों को जो है अगर हम देखें तो इसमें से डिराइव किया जा सकता है वॉट इस वजह से हम कहेंगे कि वॉट इज अ डिराइव्ड यूनिट तो 1 and 2 आर करेक्ट एंड ए इज द राइट आंसर कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए और ये आपको जो है आइडिया दे रहा है लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये सारे जो है फंडामेंटल यूनिट्स है यस व्हाट इज डिराइव्ड एंड यस वैसे भी कह सकते हैं अलग अलग तरीके से जो है इट कैन बी डिराइव्ड बट यहाँ पर अगर हम देखें तो मोल एंड केल्विन दीज हैव बीन टेकन टू बी द फंडामेंटल यूनिट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और ये 7 यूनिट्स आपको जो है याद रखने चाहिए मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर केल्विन मोल एंड कैंडेला ये सारे जो है 7 यूनिट्स आप देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है बट इलेक्ट्रिक करंट इज द राइट थिंग या ओके विशाल आई वुड सजेस्ट आप जो है एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी आर द बेस्ट वो बेस्ट है उससे बाहर जो है कमीशन क्वेश्चंस ज्यादातर पूछता नहीं है करंटली रिलेवेंट जो होते हैं टॉपिक्स उनको आप थोड़ा सा पढ़ लो यहाँ देखो 16th क्वेश्चन में द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके का इमेज फॉर्म होता है वो पूछा गया है बाय अ कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहला ऑप्शन है इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है 16th क्वेश्चन के आंसर आने लगे ऑलमोस्ट सभी ने ए कहा है जे ए कह रहे हिमांशु अभिमन्यु मानसी डॉक्टर प्रवेश ज्योति कोमल वॉक्स नीति सभी का जो है आंसर ए है यस विशाल एनसीईआरटी इज बेस्ट राइट तो यहां अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स मिरर की जब हम बात कर रहे हैं तो एक ही तरह की इमेज उसमें फॉर्म होती है विच इज इरेक्ट एज वेल एज डिमिनिश्ड नो कंफ्यूजन इन दैट छोटा जो है डिमिनिश्ड यानी ये छोटा इमेज फॉर्म होता है एंड कभी भी ये इन्वर्ट नहीं होता है ठीक है गाड़ी के जैसा बहुत बढ़िया तो ये इस तरीके से आप विजुअलाइज उसे कर सकते हैं और ए इज द राइट थिंग 17 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ अगेन डिसीजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं विटामिन डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक विटामिन डेफिशियंसी के बारे में पढ़ा है तो यू कैन डू दिस यस कॉन्वेक्स इज यूज फॉर हाइपरमेट्रोपी बहुत बढ़िया अभिषेक सही कॉनकेव के होते हैं अभिषेक कॉन्वेक्स में जो है आपको एक ही तरह का इमेज हर एक पोजीशन पे देखने को मिलेगा कॉनकेव के 6 डिफरेंट हम कह सकते हैं कि अलग अलग पोजीशन पे आपको इमेजेस देखने को मिलेंगे राइट तो विटामिन की अगर हम बात करें विटामिन ए सी डी एंड B1 इनको आपको मैच करना फटाफट से मैच करते हैं विटामिन ए अगर हम देखें तो दैट कैन बी मैच टू लॉस ऑफ विजन A4 को जैसे ही आपने मैच किया आई होप इसका सभी सही जवाब दे रहे हैं विक्की डी कह रहे हैं आरती का डी है मांशु ने ओके आप मैच कर रहे हो तो यहाँ जैसे हमने ए को 4 से मैच किया हम देख सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए बी एंड डी इज रिमेनिंग सी अगर हम देखें ये स्कर्वी जो है इससे मैच कर सकते हैं डी इज रिकेट्स और विटामिन B1 ये बेरी बेरी हम कह सकते हैं तो बी इज मैच टू 2 और उसके साथ हमारा सही जवाब बन जाता है बी इज द राइट आंसर विटामिन डी इज रिकेट्स और B1 जो है बेरी बेरी यस एब्सोल्युटली करेक्ट भावना ये सारे जो है करेक्ट मैचेस है इसके साथ जो है हम सारा का सारा एनसीईआरटी में जो विटामिन और बाकी डेफिशिएंसीज है
उससे रिलेटेड अगर हम डेटा चाहते हो, यहाँ पर अभिषेक भी हमें बता रहे हैं कि बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल, के ई एन डी और ए आर फैट सॉल्युबल। बहुत बढ़िया अभिषेक, इसी तरीके से जो है हमें जो फ्रिंज टॉपिक्स है उनको भी प्रिपेयर करते रहना चाहिए। अगेन आपको तीन यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है। आप फटाफट से इनको जो है करने मत बैठ जाना, देख लेना ये करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछा गया। मसल्स हेल्प इन पुलिंग एंड पुशिंग बोन्स, टू मसल्स आर एसेंशियली रिक्वायर्ड टू मूव अ ह्यूमन बोन। ये एक ऐसा फैक्ट है जो हमने ड्यूरिंग द सेशन डिस्कस किया था, तो आई थॉट कि फिर से आप रिवाइज कर लो। मसल क्रैम्प्स आर कॉज्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर बहुत ही बहुत ही आराम से एक चीज आप एलिमिनेट कर सकते हो। आरती कह रहे हैं लैक्टिक एसिड, ओके। तो यस, दिस इज द थिंग जहां पर जो है हम ये कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, ये चीज अगर हम देखें तो ये गलत है। यहां पर आना चाहिए एक्चुअली लैक्टिक एसिड, ओके, दिस इज नॉट सिट्रिक एसिड। ह्यूमन बोन को मूव करने के लिए टू मसल्स की जरूरत होती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड मसल्स हेल्प इन पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ द बोन्स। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर मसल्स जो है ओनली पुलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पुशिंग के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये भी आई थिंक गलत होना चाहिए। सो टू ओनली आई थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मसल्स जो है पैर में होते हैं और यहाँ मसल्स कैनॉट पुश, वो ओनली पुल कर सकते हैं, तो एक पैर में होते हैं। टू मसल्स जो है वो मूव करते हैं किसी भी बॉडी या फिर स्केलेटल पार्ट को। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये मैं आपको बताना चाहता था कि ये ओनली पुलिंग के लिए मसल को यूज कर सकते, इट कैनॉट बी यूज फॉर पुशिंग, राइट? तो ये भी गलत होगा। टू मसल्स एसेंशियली रिक्वायर्ड होते, ये सही है। मसल क्रैम्प्स की अगर हम बात करें तो इट इज नॉट सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन, राइट? एनी वे कई सारे क्वेश्चन इवन कमीशन भी जो है कई बार गलत करता है, तो इसका बोनस आपको, बट देन हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पुशिंग के लिए यूज नहीं होता है मसल, और ये चीज डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी में दी गई है, ओके। ओनली फॉर पुलिंग वी कैन यूज इट। एंड ग्लूकोज जो है फटाफट से अगर बन नहीं रहा है और वो कन्वर्ट हो जा रहा है इनटू लैक्टिक एसिड, इस तरीके के सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि मसल क्रैम्प्स होते हैं, राइट? दोस्तों इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप भाग रहे हो और ऑक्सीजन सही से मिल नहीं रहा है, तब ये चीज होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, करेक्ट आंसर इज लैक्टिक एसिड, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यस, सॉरी फॉर दैट कंफ्यूजन, यहाँ जो है पुलिंग ओनली इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको चुनने हैं। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड। बेकिंग सोडा इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, ये कहा गया है। बेकिंग सोडा इज सिंथेसाइज्ड थ्रू सॉल्वेंट्स प्रोसेस, ठीक है, कंफ्यूजिंग। एंड ये हम कह सकते हैं कि इस तरीके से, इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है कमीशन कई बार पूछ लेता है, तो ये चीज भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट? दोस्तों आई होप आप लोग फॉलो कर रहे हो, ओके। तो यहां पर अगर हम देखें तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, क्या ये ऑप्शन यहां पर सही है? कई लोगों ने डी कहा है, कई लोगों ने स्किप किया है, ऑल आर करेक्ट। जगदीश कह रहे हैं यस, बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो एंटासिड्स का एक इंग्रेडिएंट है, यस, एंड बेकिंग सोडा सिंथेसाइज किया जाता है सॉल्वेंट प्रोसेस, राइट? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं एंड डी इज द राइट आंसर। कई बार जो प्रोसेसेस हैं जिनसे इन्हें बनाया जाता है वो चीज हमें पता होनी चाहिए। साहिल बहुत बढ़िया, सिमरन बहुत बढ़िया, सारे जो है आप यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के OCl2 एक्चुअली है, तो वो चीज बता रहे हो, राइट? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इनका पूरा का पूरा जो है एप्लीकेशन एंड सारे के सारे यूजेस आपको दिए गए हैं, डी इज द राइट आंसर। भावना आरती बहुत सही, सॉल्वेंट प्रोसेस जो है उसे कहा जाता है बेकिंग सोडा जिससे प्रिपेयर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑर अ करेक्ट, ये पूछा गया है। यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन न्यूज में था, इसके बारे में एक दो पॉइंट्स जो है आपको पता होने चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में कंपेरिजन थोड़ा सा आप देख लेना। एनटी में कई बार ये चीज पूछ ली जाती है,
कमीशन का एक इम्पोर्टेंट और काफी फेवरेट टॉपिक है ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शंस है. ओके यहाँ देखो वेरी फ्यू रेडियो एक्टिव केमिकल्स कम आउट ऑफ अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जब होता है वेरी फ्यू केमिकल्स जो है केमिकल वेस्ट इसमें से आते हैं ये चीज कही जा रही है. न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ चेन रिएक्शन. फिजन में चेन होता है ये पूछा जा रहा है. ओके प्रियंका ने सीखा है, नीति सी कह रहे हैं, आई होप नीति में आपका नाम सही पढ़ रहा हूँ. गुड बॉय ने सीखा है, गगन का सी है, बॉक्स ए कह रहे हैं, पवन सी कह रहे हैं, आरती सी, अभिषेक विविडली आईक्यू भी सी कह रहे हैं, कविता का सी. ओके तो यहाँ पे देखते हैं एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड होते हैं टू इनिशिएट अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. ये चीज सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है. इनिशिएट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कमर्शियली एनर्जी जनरेशन के लिए हम सही से जो है अभी तक यूज नहीं कर पाए हैं. यहां अगर हम देखें वेरी फ्यू रेडियो एक्टिव केमिकल्स न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में से बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो जनरेट होता है. बहुत सारा वेरी फ्यू जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है. और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एक चेन रिएक्शन होता है ये चीज सही है, तो ये हमें याद रखना है. एंड यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है बहुत सारे, ये बहुत बड़ा इश्यू है राइट. तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इवन न्यूज में भी था. तो इस वजह से हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाता है सी विच इज 1 and 3. ओके इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं, आप आराम से जो है अच्छे से पढ़ लेना इस चीज को. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21, स्टेटमेंट 1 यहाँ पर दिया गया है हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है जिनके वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर होता है. स्टेटमेंट 2 क्या है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है तो ये दिया गया है, फटाफट से इसका जो है आप जवाब दे दो. मॉडरेटर दैट इज यूज्ड ग्राफाइट एंड यस हैवी वाटर. बहुत बढ़िया अभिषेक, ग्रेट. 21 के आंसर आने लगे, उन्होंने सभी ने आंसर जो है ए दिया है. मानसी कह रहे बोता करेक्ट, अभिमन्यु, महिंदर, गगन, प्रियंका, इसी तरीके जो सही है, दोनों चीजें यहाँ पर सही है. कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर, चाहे आप परमानेंट ले लो या टेम्परेरी हार्डनेस ले लो, दोनों ही होते हैं. परमानेंट हार्डनेस होता है बिकॉज ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. और टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होता है अगर आपको पता है प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. दोनों स्टेटमेंट सही है और ए इज द राइट आंसर. परमानेंट हमने कहा बिकॉज ऑफ दीज टू सल्फेट एंड क्लोराइड, टेम्पररी किनके वजह से होता है अगर आपको पता है चैट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए. यस बाई कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स. ठीक है सारा का सारा हार्डनेस ऑफ वाटर और उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन ऑल्सो टाइप्स ऑफ हार्डनेस उस पर जो है यहाँ पर बता दिया गया है किनके वजह से होता है. तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के वजह से मेनली होता है दिस टेम्पररी हार्डनेस. परमानेंट हार्डनेस के बारे में हमने देख लिया राइट दोस्तों. आगे बढ़ते क्वेश्चन 22 अगेन स्टेटमेंट्स यहाँ पर विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट्स इन द ह्यूमन बॉडी. फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कहा जा रहा है फैट्स में जो है मच मोर एनर्जी होता है. वॉटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. तीसरा है डायट्री फाइबर्स, यस कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट. बहुत बढ़िया नीति महेंद्र, सही महेंद्र, राइट करेक्ट. तीसरा देखिए डायट्री फाइबर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, ये कहा गया. विटामिन सी डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. कुकिंग जब होता है ड्यू टू हीट विटामिन सी डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, ये कहा जा रहा है. कौन सा सही है 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 या 1 and 4 राइट. यहाँ पर ए बी सी सभी आंसर आगे. वॉक्स ने कहा, सौरभ ए कह रहे हैं, प्रियंका सी कह रहे हैं, साहिल का एक्सप्रेशन इज बेस्ट एंड साथ में बी एंड सी दोनों ही जवाब दे रहे हो साहिल. ओके गगन ने कहा, अभिमन्यु भी कह रहे, जे का आंसर ए है. तो यहाँ अगर हम देखें फैट्स, यस फैट्स गिव मच मोर एनर्जी इन कंपैरिजन टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जो है बहुत ही फास्ट इनटू द बॉडी मूव करती है. इस वजह से कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उन्हें हम मेनली एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस कहते हैं क्योंकि फास्ट हमारे बॉडी में मूव होता है वो एनर्जी. फैट्स जो है सेम अमाउंट का अगर आप लो फैट से आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी. दिस इज करेक्ट. वॉट हेल्प्स अ बॉडी टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है सो दैट न्यूट्रिएंट्स कैन बी अब्सॉर्ब. 1 and 2 सही है और ए इज द राइट आंसर. इसके साथ डायट्री फाइबर्स में किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट नहीं होता है. फाइबर्स जो है उनमें किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट नहीं होता है. विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हीट किया जाता है ड्यूरिंग कुकिंग. विटामिन सी मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाता है राइट. तो यहाँ ये हमारे सही जवाब है. 1 and 2 इज करेक्ट और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई है. ओके आई होप दीज थिंग्स आर अंडरस्टूड. सिल्कॉल बहुत बढ़िया, उन्हें हम रफेज भी कहते हैं. बहुत सही.
ठीक है, फैट अच्छा है बट उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा है, फैट तो फैट बन जाएगा जो हमें नहीं चाहिए, राइट। तो यहां देखिए क्वेश्चन 23, प्लांट विच हैज बड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रायोफिलम, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फिर नन ऑफ द, इनमें से कौन सा सही है, फटाफट से जवाब दे दीजिए इसका। मोनिका ने ये कहा है, प्रियंका ये कह रहे हैं, प्रियंका भारद्वाज ये कह रहे हैं, गुड बॉय ने स्किप किया है, वॉक्स ये कह रहे हैं, मानसुका ये है, मानसी ये कह रहे हैं, तो ए इज करेक्ट। यहाँ पर इस तरीके का प्लांट जो होता है उसके एजेस में आप बर्ड्स देखते हो, इसे हम ब्रायोफिलम कहते हैं। टेरिडोफाइटा यहाँ पर क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट्स है लाइक फर्न, जिसमें आप ये देखोगे कि कोई भी फ्लावर या सीड प्रोडक्शन नहीं होता है, ये चीज हमें याद रखना है, नो फ्लावर या सीड प्रोडक्शन, ब्रायोफाइटा में फ्लावर एंड सीड प्रोडक्शन होता है। बहुत बढ़िया जे, एकदम सही, यस, ब्रायोफिलम जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज किया जाता है, बहुत सही। दीपिका का आंसर ए है, यस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते क्वेश्चन 24, विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है इसमें विच ऑफ दीज आर रिस्पांसिबल, ये कहा जा रहा है, नेटिव ऑफ मेडागास्कर, ओके साहिल, आई एम नॉट सो श्योर उसके बारे में, बट देन यस, यहां देखो यहां पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटीन सिंथेसिस किस सेल ऑर्गेनेल में होता है, सेल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं, लाइसोसोम्स पर क्वेश्चंस आए, तो उसी से रिलेटेड यहां पूछा जा रहा है। 24th का आंसर मोस्टली सभी ने राइबोसोम दिया है, राइबोसोम इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन उसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करता है, गोल्गी अपैरेटस प्रोटीन्स बनते समय जो पैकेजिंग होती है उसमें हेल्प करता है। लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, डू यू रिमेंबर, लाइसोसोम्स का नाम है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और फॉरेन जो पैथोजेंस होते हैं उनको रिमूव करता है, यस, बहुत बढ़िया नीति, बहुत बढ़िया, उन्हें हम सुइसाइडल बैग्स भी कहते हैं, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते क्वेश्चन 25, यहाँ पर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको चुनने हैं। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन गैसेस, ये कहा गया, कैटरेक्ट इज अ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म, रेड लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम बेंड द मोस्ट, ये कहा गया, फटाफट से इसका जवाब दो, यस, बहुत बढ़िया, पैकेजिंग के लिए यूज किया जाए, यस यस, बहुत अच्छे। कविता, भावना, सिलकौत, मानसी, सिमरन सभी, डॉक्टर प्रवेश, यस, बहुत बढ़िया दोस्तों, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसे कहा जाता है। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट सुनने हैं, लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन गैसेस, इज दैट करेक्ट, जे कह रहे हैं, बी मोनिका ने डी कहा है, अभिमन्यु बी कह रहे हैं, देख लेना करेक्ट इनकरेक्ट, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया यहाँ पर, ओके साहिल कंफ्यूज हो रहे हैं सी एंड डी में, निखिल ने बी कहा है, मानसी डी कह रहे हैं, अभिषेक का सी है, देख लेते हैं, एबीसीडी सारे आंसर आ गए हैं। लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन गैसेस, गैसेस में नहीं दोस्तों, लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ये हमारा आंसर बन सकता है। कैटरैक्ट इज अ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन, नहीं, कैटरैक्ट को हम रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट नहीं कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट तब होता है जब लेंस की साइज जो है वो चेंज हो जाती है, बट कैटरैक्ट में होता है कि एक लेयर फॉर्म हो जाती है, एक बायोलॉजिकल डिफेक्ट हम कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसका जो साइज है उसमें वेरिएशन हम नहीं कह सकते हैं कि आता है। ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट सबसे ज्यादा बेंड कौन सा कलर होता है, इज इट रेड, इज इट रेड, यस, वायलेट डिफ्लेक्ट द मोस्ट, इस वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट एंड डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑल द थ्री आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन को ही बेंड कर दिया है और सबके आंसर बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया जो है आपकी प्रिपरेशन है। लेट मी टेल यू, इसी तरीके से अगर आप एग्जाम में भी जो है अच्छे से अपने माइंड को यूज करते हुए ऐसे ही आंसर करोगे दैट वुड बी ग्रेट। सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है, याद रखिएगा इस इमेज को, वायलेट बेंड्स द मोस्ट काफी कंफ्यूजिंग होता है और यहाँ पर जो है सारी चीजें विथ रेस्पेक्ट टू द डिफेक्ट्स जो कि आई में होते हैं वो बता दिए गए हैं। यस यस महेंद्र, सेफ, सॉलिड्स आप देख सकते हो इनमें सबसे फास्टेस्ट मूव होता है लाइट। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ये चीज पूछी गई है। ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर्स ऑफ लाइट एंड सो अपियर्स ब्लैक, व्हाइट कलर अब्सॉर्ब्स ऑल द कलर्स ऑफ लाइट एंड सो अपियर्स टू बी व्हाइट, ये कहा गया है, यस yes. फटाफट से इसका जवाब दो, करवा चौथ, थैंक यू सो मच अभिषेक, अभिषेक आपने व्रत रखा है क्या किसी के लिए, ओके okay, तो यहां पर पूछा गया विच ऑफ दीज इज करेक्ट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, सिमरन कह रहे हैं दीज आर इंटरचेंज्ड, ज्योति कह रहे हैं कि ऑपोजिट, यस ज्योति कह रहे हैं इंटरचेंज्ड,
तो यहाँ पर देखो ब्लैक कलर की अगर हम बात करें इट अब्सॉर्ब्स एवरीथिंग, रिफ्लेक्ट नहीं, इट अब्सॉर्ब्स, एंड व्हाइट कलर एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग, दोनों ही यहाँ पर गलत है, नन ऑफ दिस। तो ब्लैक पूरा अब्सॉर्ब कर लेता है, व्हाइट सारा सारे के सारे जो कलर है उन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है, बोथ आर इनकरेक्ट। यस, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर प्रवेश महेंद्र, सही। यस, अब्सॉर्ब्स मैक्सिमम। 27 देखो, द टाइम टेकन बाय द सन लाइट टू रीच अर्थ इज अबाउट, अर्थ को सन लाइट रीच होने में कितना समय लेता है, इज इट 1 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट्स या फिर 1 आवर। सही जवाब इसका एक्सपेक्टेड है, गुड बॉय ने सबसे पहले जवाब दिया है, सी कह रहे भावना सी, कोमल सी। यस, सही जवाब के अलावा यहाँ पर कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं है। एंड यस, 8 मिनट्स इज द राइट आंसर, इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको दे दी गई है, कैसे 8 मिनट्स, राइट। ये चीज तो हमें पता होनी चाहिए, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। 28th क्वेश्चन देखो, एनिमल एंड प्लांट सेल के बीच में कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है और करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको चुनने हैं। यहाँ पूछा गया है कि प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोस सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट हैव दैट। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू हैव। तीसरा देखो, मेच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल, एनिमल सेल में मेनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, इनमें से कौन सा सही है, फटाफट से आपको जवाब देना। साहिल सही, 8 मिनट से थोड़ा ज्यादा, साहिल सही कह रहे हो, ओके, 8 मिनट से थोड़ा, यस, 8.1620 अलग अलग नंबर, बट देन 8 मिनट से थोड़ा ज्यादा ये होता है, ओके, बी एंड सी में। साहिल कोई एक जवाब दो, अब तो डांटना पड़ेगा साहिल को, तब मैं आप बी एंड सी या फिर कोई और इस तरीके से कह रहे हो, एक जवाब आपको देना है, राइट। यहाँ पर कंफ्यूजन, ठीक है, एग्जाम में मत होना बिल्कुल भी, लास्ट मिनट आ गया। अब देखो यहाँ पर, प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोस सेल वॉल, सही, एनिमल सेल्स में नहीं होता है, सही, स्टेटमेंट सही है। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गलत है, हमने डिस्कस किया था कि प्लांट सेल में दोनों ही होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल वॉल जो आउटर सेल वॉल है वो भी होता है, दोनों होते हैं, गलत है। मेच्योर प्लांट सेल एक लार्ज वैक्यूल, यस, प्लांट सेल में स्टार्च और कई सारे सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं, तो लार्ज वैक्यूल होता है, एंड देन न्यूक्लियस जो है साइड में कहीं होता है, तो और एनिमल सेल में छोटे छोटे, ये सही है, 1 and 3 आर करेक्ट, सी इज द राइट आंसर, सी जिसने भी जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़ते हैं, ये सारी चीज आपको जो है एनिमल प्लांट सेल की डिफरेंसेस दी गई है, एक बार पढ़ लेना। 29th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछा जा रहा है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, आराम से इसका जवाब देना, कंफ्यूजिंग है, बट देन आपको ये फैक्ट पता होने चाहिए, इसीलिए ये ऐसा कंफ्यूज किया गया। पीपल विथ ब्लड ग्रुप ए बी आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स, पीपल विथ ब्लड ग्रुप ओ आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपियंट्स। तीसरा देखो, पीपल विथ ब्लड ग्रुप ए एंटीजन उनमें टाइप ए का होता है, एंटीबॉडीज टाइप बी के होते हैं, एंटीबॉडीज एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करने देते उस तरीके के ब्लड ग्रुप को, तो ये क्या सही स्टेटमेंट है, और नन ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि ये हम क्या कह सकते हैं इसमें से, ये कहा गया, ये सी एंड बी आर इंटरचेंज, ये कह रहे, बहुत बढ़िया। तो इसके बारे में तो हमें पता है कि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपियंट या एक्सेप्टर हम कह सकते हैं, एंड ब्लड ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो उसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडीज बी के होते हैं, यानी कि बी ब्लड ग्रुप अगर आप लेके आओगे इन अ पर्सन हु हैज ब्लड ग्रुप ए, तो कोएगुलेशन हो जाएगा और वो एक्सेप्ट जो है नहीं करेगा, एंड ऑब्वियसली अल्टीमेटली डेथ होती है, राइट। तो ये सही है सी स्टेटमेंट, एंड सो सी is the correct answer in this context. इसकी सारी explanation आपको दे दी गई है, NCERT में जो दिया गया है, and you can go through all of this. Positive. कुछ भी positive. साहिल ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बहुत कुछ positive है. Everything is positive. Okay. तो हमारा नजरिया अगर पॉजिटिव होगा तो सब कुछ हमें सही ही लगेगा, गलत चीजें भी गलत, इन द सेंस अगर कोई चीज जो है डाउन जा रही है, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो वो भी आपको उस सिचुएशन में भी किस तरीके से आप बाहर निकल सकते हो वो चीज आप समझ पाओगे, राइट। तो टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, वो मेरा थॉट है, आई होप आप एग्री करोगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव मास, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ऐसे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर एक है, दीपिका, अभिषेक, मानसी, आरती, सौरभ, वॉक्स, गगन, सभी ने ए कहा है, अभिमन्यु का आंसर ए है, अभिषेक ए कह रहे हैं, राइट। तो यहाँ अगर हम देखें, सॉलिड्स हैव मास, यस राइट, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, यस, उनका एक वॉल्यूम है जो आप मेजर कर सकते हो,
तीसरा देखो, लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, तो ये चीज गलत है। लिक्विड्स का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, किसी भी कंटेनर में अगर आप उसे लोगे तो वो जो है डेफिनेट वॉल्यूम, और इतने लीटर लिक्विड मैंने लिया है वो आप कह सकते हो, राइट, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। एंड इस वजह से हम कह सकते हैं कि तीसरा गलत है और वन एंड टू आर करेक्ट एंड इज द राइट आंसर इन दिस। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, बहुत बढ़िया निखिल साहिल, यस, लिक्विड्स ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सही कह रहे हो साहिल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये सारा जो है एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। क्वेश्चन 31, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स अ करेक्ट बताना है आपको। न्यूक्लियर फिजन जब होता है यूरेनियम 235 का स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये पूछा गया है, क्या ये सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक यूनिट्स कंज्यूम्ड 50 वॉट्स का अगर हमारे पास बल्ब है, 10 आवर्स पर डे वो हम यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक यूनिट्स जो कंज्यूम होंगे तो 150 होंगे, ये कहा गया है। आराम से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके, एकदम जल्दी में मत देना, कैलकुलेशन करके देना, बट डोंट हैव अ डेफिनेट शेप, भावना एकदम सही। अभिषेक कह रहे हैं वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, सही अभिषेक। यहाँ देखो 31 का आंसर सिमरन ने दे दिया है, ए कह रहे हैं सिमरन, भावना ने ए कहा है, महेंद्र ए कह रहे हैं, यस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया भी गया है, तो वी शुड बी नोइंग अबाउट दिस। किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, बहुत बढ़िया सौरभ। जगदीश का आंसर है, जे का आंसर है, बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यूरेनियम 235 की अगर हम बात करें, यस, ये नंबर आपको याद रखना है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां पर थोड़ा सा चेंजेस करके एग्जाम में दे दिया जाता है, तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूरेनियम 235 स्टैंडर्ड जो रिएक्शन है, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड जब किया जाता है, इतना जो है ईच जो एटम है उसमें से आपको इतना एनर्जी मिलेगा। 50 वॉट्स का अगर बल्ब है तो एक घंटे में इसकी रेटिंग होती है 50 वॉट्स जो है ये यूज कर रहा है, 10 घंटे में कितना यूज करेगा, इन 10 आवर्स पर डे 10 आवर्स यूज हो रहा है तो 500 वॉट जो है यूज किया जाएगा 10 घंटे में, और पूरा अगर हम देखें 30 डेज में कितना, एक दिन में इतना, तो 30 डेज में कितना होगा, 500 वॉट एक दिन में हो रहा है, 30 डेज में कितना होगा, इट विल बी 15,000 वॉट आर, ठीक है। इसको अगर हम किलो वॉट आर में कन्वर्ट करें तो ये जो 1000 से वो रिमूव हो जाते हैं एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड टू 15 किलो वॉट आर, ठीक है। किलो वॉट आर जो है इलेक्ट्रिकल यूनिट उसे कहा जाता है, तो कितने इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, 15 इलेक्ट्रिकल यूनिट्स यूज होंगे, द नंबर इज नॉट 150, इट इज 15 इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, बिकॉज वॉट आर में हमें आंसर आया उसको वी हैव टू कन्वर्ट टू किलो वॉट आर, ठीक है महेंद्र, इसको कन्वर्ट करना है हमें, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो 15 इज द राइट आंसर। ये पूरा का पूरा अगर हम देखें तो ए इज द राइट आंसर, सेकंड जो है स्टेटमेंट गलत है, 15 यूनिट्स इज द राइट थिंग। ये कैलकुलेशन आपको जो है पता होना चाहिए, आई होप आपको इलेक्ट्रिकल यूनिट से रिलेटेड कैलकुलेशंस पता है, जो भी आप लेकर आ रहे हो आंसर किलो वॉट आर में आना चाहिए, एंड देन यूनिट्स जो है आपको पता चल जाएंगे, जितने भी किलो वॉट आ रहे उतने इलेक्ट्रिकल यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 32, यहां देखो डेंटल अमाल के बारे में पूछा गया है, बहुत बार कमीशन ने क्वेश्चन पूछा है, ये टॉपिक बहुत फेवरेट है, इनमें से कौन सा डेंटल अमालगम में हमें देखने को मिलता है, सारे ही जो है ऑप्शन यहां पर आपके सामने है, सिल्वर, टिन, कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, जिंक, थोड़ा सा डिफिकल्ट बट देन यस वी शुड बी नोइंग द आंसर, कई बार पूछ लिया गया, आई होप कई बार आपने जो है इसको रिवाइज भी कर लिया होगा। यहाँ पूछा गया अबाउट डेंटल अमालगम जो रिप्लेस किया जाता है टीथ जो हम कह सकते हैं कैविटीज होते हैं उसमें कौन सा डेंटल अमालगम यूज किया जाता है। ओके सिमरन कह रहे हैं डी वॉक्स का आंसर ए है, सिल्कोत ने ए कहा है, साहिल डी कह रहे हैं, जे का आंसर भी डी है, महेंद्र ऑल कह रहे हैं, भावना ने ए कहा है, मोनिका सी कह रहे हैं, नेक कह रहे गोल्ड नहीं लगता, ओके रोहन डी कह रहे राइट, डिवाइडेड बाय 1000, एब्सोल्युटली जॉन, एब्सोल्युटली सही, यूनिट शुड बी डिवाइडेड बाय 1000। यहां पर देखो यस, नेक को शाबाशी देना चाहूंगा मैं यहां पर, यस गोल्ड नहीं है, गोल्ड इज नॉट यूज्ड, गोल्ड कैन बी यूज्ड बट ये है कि गोल्ड ऑब्वियसली इसका जो रेट है ज्यादा है, यस महेंद्र जगदीश सही कह रहे हो, तो यहाँ पर 5 जो है वो नहीं आएगा, एंड सो जैसे ही हमने वो किया ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी सारे ही आपके जो है डेंटल अमालगम में यूज होते हैं। जैसे ही हमने अमालगम कहा, अमालगम इज समथिंग जिसमें डेफिनेटली आपको मर्क्यूरी देखने को मिलता है, अमालगम इज समथिंग जो कि मर्क्यूरी उसमें देखने को मिलता है, राइट, तो सी इज द राइट आंसर। ये बहुत ही पैसे वाले जो है
किसी का नाम नहीं लेते हैं, बट देन बहुत ही पैसे वाले जो यूज करते हैं, जनरली गोल्ड इज नॉट यूज्ड, इस वजह से इस यहाँ पर जो है सी विल बी द राइट आंसर. जिंक इज ऑल्सो यूज्ड, जिंक भी यूज होता है, आप देख सकते हो सिल्वर टिन कॉपर जिंक, ये सारी चीजें यूज होती हैं, इनके अलग अलग परसेंटेजेस फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस. एंड देन यहाँ अगर हम देखें तो मर्क्यूरी इज ऑल्सो समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, राइट. बट इन जनरल गोल्ड में यूज होता है, इस वजह से हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर 1, 2, 3, 4 and 6, राइट. इस चीज को जो है यस गोल्ड में कंफ्यूजन था, राइट. गोल्ड यूज नहीं होता है जनरली, ये इसीलिए मैंने दिया क्योंकि कमीशन इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है एंड की में गोल्ड इंक्लूडेड नहीं था, सो वी विल गो विथ कमीशन, और इस वजह से एक रिवीजन जो है आपको दिया गया. यहाँ देखिए क्वेश्चन 33, आर्थ्रोपॉड्स आर सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, प्लैटिहेलमिंथस आर एग्जांपल्स ऑफ हेमोसील ऑर्गेनिजम्स. मोस्टली यस एक्सपेक्टिंग स्किप इसमें, बट ये एक टॉपिक है जो कि 11th क्लास की बायो में से पूछ लिया गया था, तो रिवाइज करना जरूरी है. यहाँ पर महेंद्र ने स्किप किया है, दीपिका डी कह रहे हैं, जे ने स्किप किया है, सौरभ स्किप कर रहे हैं, साहिल का सी है, वॉक सी कह रहे हैं. देखते हैं ऑर्थ्रोपॉड्स, अगर हम देखें ऑर्थ्रोपॉड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मोस्टली एट लेग्ड ऑर्गेनिजम्स इन्हें हम कहते हैं. गगन ने बी कहा है, सिमरन ए कह रहे हैं, दीपिका ए, ओके. यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्थ्रोपॉड्स जो है ये असीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, असीलोमेट यानी कि जो बॉडी लेयर्स हैं, दो लेयर्स होते हैं, इन दो लेयर्स के बीच का जो लेयर है उस लेयर में अगर कैविटीज हैं, होल्स हैं, ठीक है. अगर बॉडी को क्रॉस सेक्शनल, अगर आप एक कॉकरोच लो, ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बट देन कॉकरोच जो है वो एक तरीके से ऑर्थ्रोपॉड है, और उसको अगर क्रॉस सेक्शनली डिवाइड करो तो उसके बॉडी में इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर 1-2 लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे और बीच में एक लेयर होगा जिसमें अगर गैप्स होंगे, उन गैप्स को हम सीलम कहते हैं, COELM, सीलम. और ये पूछ लिया गया था, ये सीलम जो गैप है अगर वो ब्लड से फिल्ड है तो उसे हम हीमोसील कहते हैं. तो हीमोसील और एक्चुअली ऑर्थ्रोपॉड जो है हीमोसील होते हैं, और प्लैटिहेलमिंथस इसमें असीलोमेट, असीलो आ इन द सेंस सीलम नहीं होता है, कोई भी गैप्स उसमें नहीं होते हैं, ओके. जहां पर गैप्स नहीं है तो सीलम नहीं है, बीच वाले लेयर के बेसिस पर ये डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है of bodies of these organisms, ठीक है. प्लैटिहेलमिंथस एक्चुअली असीलोमेट है, यानी कि उनमें गैप्स नहीं होता है. यस डिफिकल्ट है, बट एक टॉपिक जो पूछा गया था, इस वजह से दोनों ही यहाँ पर सही नहीं है. नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी को क्रॉस सेक्शनली डिवाइड करने पर ये जो गैप्स बनते हैं बीच वाले लेयर में, उसे हम सीलम कहते हैं. ऐसे अगर सीलम है, और यहाँ पर अगर सीलम नहीं है, गैप नहीं है, तो उसे हम असीलोमेट कहते हैं. अगर ये गैप ब्लड से फिल्ड है, हीमोसील कहते हैं, ओके. तो इस वजह से ये चीज पूछी गई है, एंड एक रिविजन जो है वो ये मेड स्टूडेंट के लिए, बट पूछा गया कमीशन के द्वारा, सो वी हैव टू रिवाइज दोस्तों, कांट हेल्प इट, ओके. यस ये चीज होती है, तो हमें ये चीज पढ़नी है. आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पूछा गया है कि SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये डायोप्टर इसे कहते हैं हम, और स्पेक्ट्रल कलर्स जो कि ब्लू ग्रीन एंड रेड है, इन्हें हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं. फटाफट से इसका जवाब दो. 34 के आंसर आने लगे, भावना सी कह रहे हैं, ओके. महेंद्र इज सेइंग बोथ आर राइट, गौरव का आंसर ए, मानशु ए कह रहा, अभिषेक नेल, ओके सॉरी मुझे समझ नहीं आया अब क्या कह रहे हो. 34 का आंसर मोस्टली सभी का ए है, साहिल कह रहे हैं, ओके बोथ आर राइट, दोनों ठीक है. यहाँ देखो SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, इसे डायोप्टर कहते हैं, स्पेक्ट्रल कलर्स ब्लू ग्रीन एंड रेड, ये जो है इन्हें प्राइमरी कलर्स कहा जाता है. एकदम सही है, RGB प्राइमरी कलर्स, बोथ आर करेक्ट. ये सारी चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है. 35 देखते हैं, विच ऑफ दीज फेनोमेनन अकर बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एप्लीकेशन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन डिस्पर्शन इनका दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है. सन इज विजिबल 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, 2 मिनट आफ्टर द सनसेट वो विजिबल होता है, पहला स्टेटमेंट. स्टार्स अपीयर स्लाइटली अबव देन इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो स्टार्स के पोजीशंस चेंज होते हैं. तीसरा है व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट होता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ठीक है. तो ये चीज कही गई है, इनमें से कौन सा हम कह सकते हैं कि सही है, कि सिमरन ने ए कहा है, नेक डी कह रहे हैं, जॉन ने डी कहा है, साहिल डी कह रहे हैं, सौरभ का आंसर डी है, मानसी ने भी डी कहा है, ओके राइट. रिफ्रैक्शन इनमें से कौन सा है, इट इज बिकॉज ऑफ
डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यस, यहाँ पर सही जवाब होगा ए दोस्तों, बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट अगर हम देखें तो दैट इज बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के वजह से ये जो है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ये चीज होती है। ओके, डिस्पर्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। ये दोनों चीजें हम रिफ्रैक्शन के वजह से देखते हैं और यहाँ पर जो है तीसरा स्टेटमेंट होगा डिस्पर्शन। ओके राइट, तो यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है, सारे फिनोमिनन आपको बता दिए गए हैं विच आर रिलेटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। Yes, absent-minded. Right. So, which among the following statement is or are not correct? पूछा गया 36 में, the color of litmus solution which is neither acidic nor basic, it is yellow. ये कहा गया है। यहाँ evaporation is a process that occurs in the water cycle. Water cycle में one of the processes is evaporation. तीसरा है all bases do not dissolve in water. और अगर dissolve होते हैं, अगर आपको पता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स, थिकर मस्कुलर वॉल्स होता है। वेंट्रिकल्स जो है पार्ट है ऑफ द ह्यूमन हार्ट और वेंट्रिकल्स के वॉल्स जो है थिक होते हैं इन कंपैरिजन टू एट्रियम एज दे हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, तो ये चीजें पूछी गई है यहाँ पर। एंड यस, निखिल ये कह रहे हैं, वॉक्स ने कहा, भावना ये कह रहे हैं, एक्स वाई जेड का आंसर ए है। ओके यस, अब एब्सोल्युटली येलो नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए पर्पल। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप ध्यान देना, कमीशन मोस्टली इजी पूछता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सही जवाब क्या है देखो, मार्क करो, थोड़ा सा बाकी पढ़ लो और आगे बढ़ो। इवेपोरेशन यस वाटर साइकिल में होता है, ऑल बेसिस डिजोल्व नहीं होते हैं। क्या आपको पता है जो बेसिस डिजोल्व होते हैं वाटर में, यस अभिषेक ने आंसर दे दिया है, उन्हें हम कहते हैं एल्कली। बहुत बढ़िया अभिषेक, तो उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं, तो ये चीज भी सही है। वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स होते हैं वो काफी ज्यादा थिक होते हैं, ये लोअर जो चैम्बर्स है वो, राइट, बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड टू लार्ज डिस्टेंसेस। यहाँ 37 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन्स हाइपोथैलेमस which maintains the body temperature maintain किया जाता है by this part, वो कहाँ पर है, forebrain, hindbrain, midbrain या फिर none of the above, इनमें से कौन सा सही है, फटाफट इसका जवाब दे दो। ये पूछा जा रहा है with respect to this thing जो कि हम hypothalamus जिसे हम कहते हैं। okay, तो ये सिमरन सही अल्कली कहते हैं, सिल्कोथ hindbrain कह रहे हैं, सिमरन का आंसर B है। yes, mostly सभी ने B कहा है, वॉक्स ने C कहा है, midbrain। Yes, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया था, ऑल्दो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंड यस, जगदीश ने इसे गेस किया है हाइंड ब्रेन, तो करेक्ट आंसर एक्चुअली इज मिड ब्रेन। तो डिफरेंट पार्ट जो हमारे फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट्स को अकोमोडेट करता है, लाइक सेरेब्रम, फ्रंटल लोब, ये सारे जो है इनके फंक्शंस भी आप जो है पढ़ सकते हो। मिड ब्रेन में आपको हाइपोथैलेमस वो देखने को मिलेगा जो रेगुलेट करता है एक्चुअली हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करें, यस बॉडी बैलेंस को ये मेंटेन करता है, बॉडी बैलेंस, यस हिना सही कह रहे हो। ओके सेरिबेलम, राइट, तो यहाँ पर अगर हम देखें बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने का काम हाइंड ब्रेन का है, ये चीजें आपको जो है याद रखनी है। सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, लास्ट मिनट रिवीजन आप कर सकते हो। 38 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज और आर करेक्ट पूछा जा रहा है, ये चीज थोड़ा सा न्यूज में थी और ये पूछा जा सकता है। इननेट इम्यूनिटी की बात की जा रही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ह्यूमन बॉडी में अगेंस्ट फॉरेन सेल्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी से रिलेटेड एग्जाम में जो चीजें न्यूज में थी, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। टी और बी सेल्स के बारे में पूछा गया है जो कि इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये पार्ट है ऑफ द इननेट इम्यूनिटी। कौन सा यहाँ पर सही है, सिमरन ने स्किप किया है, साहिल सी कह रहे, भावना सी, हिना का आंसर सी है, महेंद्र गगन ओके नेक ने स्किप किया, कविता सी कह रहे, अभिषेक सी, निखिल कवि सी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इननेट इम्यूनिटी पार्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन। तो दो तरह के इम्यूनिटी होते हैं, पहला है इननेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी जो है वो डायरेक्ट अटैक करता है ऑन द इनकमिंग ऑर्गेनिजम्स, और ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसे हम कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जब वो अटैक सक्सेसफुल नहीं होता है तो टी एंड बी सेल्स जो है किस तरीके से अटैक करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके के एंटीबॉडीज मुझे यूज करने हैं, वो सब मेमोरी सेल्स इन्हें कहा जाता है, वो सब जो है पूरी तरीके से ये दो जो सेल्स है वो पूरा कैलकुलेशन करके ये अटैक करते हैं।
तो इस वजह से इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, जब पहला काम नहीं करता। तो टी एंड बी सेल्स इननेट इम्यूनिटी के पार्ट नहीं है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट हैं, ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के पार्ट हैं, राइट। तो इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ए वन ओनली इज द राइट आंसर। ओके, सी यहाँ पर सही नहीं होगा। आई नो ये दो तरह के जो इम्यूनिटी, इसके बारे में हमें पता नहीं होगा, बट देन ये इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट जो कॉन्टेक्स्ट है, कोविड का भी जो कॉन्टेक्स्ट है उसके वजह से, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज इननेट और एक्वायर्ड, आई एम सो सॉरी जे, मुझे आइडिया नहीं है। यस, इम्यूनिटी व्हेन अ पर्सन एक्वायर्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, दैट इज एक्वायर्ड। यस, तो टी एंड बी सेल्स उसमें हेल्प करते हैं। अभी जो हमने एक्वायर कर लिया है इम्यूनिटी और किस तरीके से एंटीबॉडीज बनानी है आफ्टर यू हैव बीन वैक्सीनेटेड फॉर कोविड, वो भी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 39, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इनमें से कौन से हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट या वाटर? फटाफट से बता दो इनमें से कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, ये पूछा जा रहा है नॉन मेडिकल वाले। कोलोस्ट्रम इननेट, ओके, नेहा कह रहे हैं कोलोस्ट्रम इज इननेट, ओके, आई एम सो सॉरी, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, आई डिडंट वांट टू आंसर। यहाँ देखो, मैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें, इनमें से कौन सा बहुत ही इजी ये होना चाहिए, आयरन, निकल, कोबाल्ट और वाटर दिया गया है, बहुत ही आराम से हम यहाँ पर एलिमिनेशन कर सकते हैं। रोहित का आंसर ए है, वॉक्स डी कह रहे, महेंद्र सी कह रहे, यस, यहाँ 1, 2 and 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सी इज द राइट आंसर, वाटर नहीं होगा, राइट, ऑब्वियसली फॉर ऑल ऑब्वियस रीजंस। 40th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज जो कि प्लेन मिरर में फॉर्म होता है, प्लेन मिरर के इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। यस, थैंक यू सो मच जे। यहाँ देखो, पहला है इट इज ऑलवेज वर्टिकली इन्वर्टेड, इट इज ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान से पढ़ना एंड ट्राई टू आंसर। सिलकॉट का आंसर ए है, अभिषेक सी कह रहे हैं, बाकी लोगों के आंसर्स का भी यहाँ पर वेट करते हैं। जॉन का आंसर बी है, एबीसी तीनों आ चुके हैं। महेंद्र सी कह रहे हैं, जे का आंसर सी है, सिमरन ने बी कहा है, भानु ने बी कहा है, गौरव बी कह रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो, इट इज ऑलवेज वर्टिकली इन्वर्टेड, पढ़ो स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान से, वर्टिकली इन्वर्टेड यानी कि सर नीचे पैर ऊपर, इस तरीके से आता है क्या? वर्टिकली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? नीचे और ऊपर हो जाना, राइट, तो ऐसे आता है क्या जब आप अपनी इमेज देखते हो मिरर में, राइट, तो ऐसा नहीं होता है, वर्टिकल नहीं, लेटरल इन्वर्शन होता है, यानी कि लेफ्ट राइट लेफ्ट होता है, वर्टिकल नहीं होता है, तभी ये डाला गया यहाँ पर। ध्यान रखना, अगर ऐसी चीज करता है कमीशन तो वो हमें ध्यान रखना है, टर्म है लेटरल इन्वर्शन, लेफ्ट राइट लेफ्ट होता है, वर्टिकल इन्वर्शन नहीं होता है, तो दिस थिंग इज नॉट करेक्ट, और उसके साथ ऑब्वियसली हमारा आंसर 2 and 3 हो जाएगा। वर्चुअल इमेज हमेशा फॉर्म होता है, ये चीज हम जानते हैं, और ये जो है इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इक्वल होता है, सो बी 2 and 3 आर करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर, ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इमेज, तो आप देख सकते हो लेफ्ट राइट लेफ्ट हो जाता है, बट देन इसको हम लेटरल इन्वर्शन कहते हैं, वर्टिकल इन्वर्शन नहीं, लेटरल इन्वर्शन, ओके, यहाँ पर एक्चुअली बी करेक्ट है नेहा, बी इज द राइट आंसर, और सारे यूजर्स जो है स्पेरिकल मिरर्स के वो भी आपको बता दिए गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है विद रेस्पेक्ट टू जीन एडिटिंग, ऑल्दो इस तरह के क्वेश्चन कमीशन ने पूछे नहीं है अभी तक, बट करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछा जाता है तो वी शुड बी एबल टू आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है विद रेस्पेक्ट टू वेरियस थिंग्स जो हुए हैं, राइट, तो यहाँ पूछा गया है जीनोम एडिटिंग इज अ वे ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक चेंजेस टू डीएनए ऑफ द सेलर ऑर्गेनिज्म। 3-stage कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, अनवाइंडिंग, क्लीविंग एंड रीवाइंडिंग ऑफ डीएनए डेप्थ है, यस। जर्म लाइन थेरेपी की अगर जीन थेरेपी की अगर हम बात करें, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये यूज किया जाता है। जीनोम एडिटिंग यूजेस अ टाइप ऑफ एंजाइम जिसे हम इंजीनियर्ड न्यूक्लियस कहते हैं इस चीज के लिए, ओके, साहिल कह रहे थर्ड रॉन्ग है। देखते हैं, अभिषेक का आंसर सी है, भावना ने सी कहा है, विविडली आईक्यू ने स्किप किया है, यस। थोड़े से टर्म्स अगर आपको जो है पता है आप आंसर कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, जीनोम एडिटिंग इज अ वे ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक चेंजेस टू डीएनए ऑफ अ सेलर ऑर्गेनिज्म, सही है। 3-stage प्रोसेस है, अनवाइंड होता है डीएनए, क्लीवेज होता है जहां भी कट करना है, एंड देन रीवाइंड होता है, पेस्ट करने के बाद रीवाइंड होता है, ये सही है। 1 and 2 तो सही है।
अब जर्म लाइन थेरेपी, जब भी जर्म लाइन जर्म सेल्स की अगर बात की जाती है तो वो डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात की जाती है। जर्म सेल्स जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स से रिलेटेड हैं। तो जर्म लाइन जीन थेरेपी एक्चुअली रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए की जाती है। साहिल यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये स्टेटमेंट गलत है। जीनोम एडिटिंग यूजेस अ टाइप ऑफ एंजाइम, यस एंजाइम जब भी कहा गया है तो लास्ट में जो है एज आप देखोगे और जीनोम एडिटिंग में न्यूक्लियस यूज किया जाता है क्रिस्पर कैस9 के कॉन्टेक्स्ट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिषेक बहुत बढ़िया, निखिल बहुत बढ़िया, जर्म सेल्स राइट, तो ये भी सही है। 1, 2, and 4 इज करेक्ट, सी इज आर करेक्ट आंसर। सारे एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। 42 क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन्स कंटेन नाइट्रोजन, प्लांट सेल्स अब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन गैशियस फॉर्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फटाफट इसका जवाब दो। अभिषेक कह रहे हैं जीनोम एडिटिंग क्रिस्पर टेक्निक से की जाती है और इसमें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ओके यस, आई थिंक नोबेल प्राइज जो है वो केमिस्ट्री में मिला है। अभिषेक प्लीज चेक कर लेना प्रीवियस ईयर में। ओके यहाँ देखो, प्रोटीन कंटेन्स नाइट्रोजन ये पूछा गया है। प्लांट्स कैन अब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन गैशियस फॉर्म, बहुत ही सिंपल ये स्टेटमेंट है। इनमें से कौन सा करेक्ट है पूछा जा रहा है। जॉन का आंसर ए है, सिल्कोते कह रहे हैं दोनों ही सही है, भावना सी कह रहे हैं, निखिल का आंसर ए। यहाँ देखो प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है, यस दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसीलिए नाइट्रोजन इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। बट प्लांट्स कैनॉट अब्सॉर्ब प्रोटीन इन गैशियस फॉर्म, ठीक है, क्योंकि वो गैशियस फॉर्म में अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। लेग्यूम्स जो है वो राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के साथ या फिर नाइट्रिफिकेशन, गौरव बहुत बढ़िया, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू गैशियस फॉर्म को जो है कॉम्पाउंड में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन प्लांट्स अब्सॉर्ब इट थ्रू वॉटर एंड थ्रू द रूट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसे हम कहते हैं। सो स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली wrong, right? तो 2 गलत है, 1 सही है, C is the right answer and C जिसने भी जवाब दिया है बहुत ही बढ़िया, NPK fertilizer इसीलिए यूज करते हैं जगदीश, बहुत बढ़िया राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी है। 43 देखते हैं। Which of the following factors increases rate of evaporation? Evaporation के रेट को इनमें से कौन सा फैक्टर इंक्रीज करता है वो पूछा जा रहा है। यस आई थिंक बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम है। भावना प्लीज आप जो है एक बार ये चीज देख लेना। Which among the following factors increase करते हैं rate of evaporation को? Surface area अगर बढ़ रहा है, container बड़ा सा ले लिया आपने तो वो उस container में जल्दी evaporation होगा। Increase in temperature, जब temperature increase किया जाता है तो evaporation का rate increase होता है। Humidity decrease जब होती है, यानी कि पूरे atmosphere का humidity कम होगा तब evaporation का rate बढ़ेगा। चौथा है decrease in the wind speed, ठीक है, इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? वॉक्स ने डी कहा है, गौरव डी कह रहे हैं, सौरभ का आंसर सी है, सिमरन डी कह रहे हैं, पानु का आंसर सी है, नेहा ने ए कहा है। देखते हैं फटाफट से इसका जवाब। सरफेस एरिया जो है वो अगर इंक्रीज किया जाए, इस कंटेनर में बहुत ही कम सरफेस एरिया है जो एक्सपोज्ड है, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिनन है तो सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। यस टेम्परेचर बढ़ेगा ज्यादा, जब टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। पूरे एटमॉस्फेयर का अगर ह्यूमिडिटी कम हो रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इजीली जा सकते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कम है, ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यस ये भी जो स्टेटमेंट है सही है। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी जब कम होती है तब इवेपोरेशन का रेट जो है वो बढ़ता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स कम है और इवेपोरेशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें जा सकते हैं, राइट। तो दिस इज करेक्ट। डिक्रीज इन विंड स्पीड, ये चीज सही नहीं है, विंड स्पीड बढ़ेगा तब इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, राइट। तो इस वजह से सी विल बी द राइट आंसर हियर एंड यही सारी चीजें जो है आपको बता दी गई है। आई होप ये जो तीसरा पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा एंड इफ नॉट प्लीज यू कैन आस्क। 44th क्वेश्चन देखिए। मिनिमम डिस्टेंस सोर्स एंड ऑब्स्टेकल का क्या होना चाहिए इको को अगर होने के लिए 22 डिग्री सेल्सियस पर? ये कितना है, 15.2 मीटर, 17.2 मीटर, 30 मीटर या 12.2 मीटर? इनमें से कौन सा सही है, फटाफट से इसका जवाब दे दो। अभिषेक सी कह रहे हैं, मनीषा का आंसर सी है, जे आई थिंक इसी क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हो, सिल्कोत 17.2 कह रहे हैं, ये सिमरन का आंसर बी है। जैसे यहाँ हमें गलत नहीं जाना है, एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है इको प्रोड्यूस होने के लिए डिस्टेंस जो होता है 17.2। सारे फैक्ट्स आपको जो है एनसीईआरटी नंबर्स जो आपको याद रखने वो सब आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। 17.2 बी इज द राइट आंसर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन 45। विच ऑफ दीज इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये पूछा गया। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम कैन बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन, ये कहा गया। आयोडीन सॉल्यूशन का हम यूज कर सकते हैं फॉर दिस, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर
एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द बुक जो है 22 डिग्री सेल्सियस ये दिया गया, यस दैट इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड फॉर एको टू हैपन, यस 17.2 सही है। When iodine solution is poured on the food substance, appearance of blue-black color होता है, it indicates that it contains starch. तो फटाफट इसका जवाब दीजिए दोस्तों, यहाँ पर yes, almost सभी का आंसर C है, C is absolutely correct. Both of the statements are correct. ये जो टेस्ट है इसे हम जो है स्टार्च टेस्ट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इसे किया जाता है, राइट? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 46 देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको देखने हैं। एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड मिक्स टूगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, नो न्यू कॉम्पाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कोई नए कॉम्पाउंड जो है वो फॉर्म नहीं होते हैं, ये कहा जा रहा है। इसके लिए मिक्सचर एंड कॉम्पाउंड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड फॉर्मिंग मिक्सचर्स हैव केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन देम, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं जो भी सब्सटेंसेस एलिमेंट्स या कॉम्पाउंड जो है मिक्सचर फॉर्मेशन करते हैं। वॉक्स ने इसे स्किप किया है 46 क्वेश्चन को, बाकी लोग इसको आंसर करने की कोशिश करें। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड मिक्स टूगेदर टू फॉर्म मिक्सचर, तो उसमें कोई नया जो है कॉम्पाउंड नहीं फॉर्म होता। फॉर एग्जाम्पल एयर जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब है, बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर नया जो है हम ये नहीं कह सकते कि नया गैस बन जा रहा है, या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर वाटर बन जा रहा है, राइट? तो ये चीज नहीं होता है, नो न्यू कॉम्पाउंड इज फॉर्म, सो दिस इज करेक्ट। एलिमेंट्स या कॉम्पाउंड मिक्सचर जब बनते हैं तो कोई फिजिकली उनमें जो है कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, राइट? They have chemical bonds formed, ये statement सही नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर जो है पहला statement अगर हम देखें तो correct है, दूसरा statement correct नहीं है। तो A will be correct answer, one only is the right answer in this case. Yes, first तो correct है, second is actually incorrect. Chemical bonds नहीं होते, mixture यानी कि oxygen, hydrogen ये सब अगर air में हम देखें इनके बीच किसी भी तरह का chemical bond form नहीं होता, but वो एक mixture कहलाते हैं, right? So A is the right answer in this case. सारे description आपको यहाँ पर provide कर दी गई है। 46 देखिए, which of these is correct पूछा गया है। Number of protons present in nucleus is equal to atomic number. Atomic number की अगर हम बात करें तब हम कह सकते हैं कि number of protons बताते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर, उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तीसरा देखिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंस्टिट्यूट्स मास नंबर, और यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। कंफ्यूजिंग बट देन यस, H2+O2 फॉर्म होते हैं, बट नेचुरली जो हमारे इर्द गिर्द हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, क्या ये इमीडिएटली वाटर फॉर्म हो जा रहा है? नहीं, सर्टेन कंडीशंस होने चाहिए तभी वो वाटर फॉर्मेशन होगा, ओके? कंपाउंड्स अपने आप मिक्सचर की जब हम बात कर रहे हैं उसमें फॉर्म नहीं होते हैं, ओके? तो इस वजह से वो गलत है। आई होप ये चीज क्लियर है। पहला स्टेटमेंट देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, यस। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पर, न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में आप देखते हो तो टू जहां जहां पर है वो तो गलत है, तो इसके साथ हमारा सही जवाब आ जाता है विच इज ए, यस ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तीसरा देखो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज मास नंबर, न्यूक्लियॉन्स जितने होते हैं यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जितने उसे हम मास नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं हुआ है उसे हम न्यूट्रल एटम कहते हैं, वो इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स नेगेटिव चार्ज सॉरी पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव चार्ज एक न्यूट्रल एटम में, ठीक है? तो इस वजह से ये भी सही है, 1, 3, and 4 इज करेक्ट एंड इज द राइट आंसर। सारा डिस्क्रिप्शन जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, फटाफट आपको 47 क्वेश्चन आंसर करना है। 1, 3, and 4 इज राइट महेंद्र, यस ए इज द राइट आंसर फॉर दैट। यहाँ देखो, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड ये किसके वजह से होता है, इज इट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिस्पर्शन? तेजी से इसका जवाब दे दो, 47 के आंसर आने लगे। भावना सी कह रहे हैं, काजल का सी है, सिल्कोत सी, अभिषेक सी कह रहे हैं, नो कंफ्यूजन इन दिस, करेक्ट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे दिया गया है। विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड ये पूछा जा रहा है। पोलियो क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। मलेरिया प्रोटोजोअन डिसीज है। टाइफॉइड बैक्टीरियल डिसीज है। चिकन पॉक्स वायरल डिसीज है। फटाफट इसका जवाब दो दोस्तों। आई होप आप ये चीज जो है
डिसीजेस और किससे कॉज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से पढ़ा होगा आपने और इसका जवाब दे सकते हो। वॉक्स का आंसर है, सिमरन ए कह रहे हैं, जॉन का आंसर है नो डाउट पोलियो वायरस, ठीक है ये गलत है, ए इज द राइट आंसर। सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पढ़ो एक सिचुएशन जहां वन स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, ही और शी कवर्स 180 मीटर, एक पूल है जो कि 90 मीटर लॉन्ग है, उसमें 180 मीटर जो है कवर किया जाता है इन वन मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड, इस एंड से दूसरे एंड तक गया एंड कमिंग बैक, ठीक है यहां से यहां पर गया एंड देन वापस आ गया, तो 180 मीटर कवर किया गया इन द सेम स्ट्रेट पाथ। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, एवरेज वेलोसिटी इस पर्सन का कितना होगा वो चीज पूछी जा रही है। महेंद्र कह रहे 2 मीटर पर सेकेंड, यस न्यूमेरिकल्स स्केर यू सिल्कॉथ, स्किप कर रहे हो आप, ठीक है। वॉक्स ने कहा ए 3 मीटर पर सेकेंड कह रहे हैं, शिवानी का आंसर ए है, भानु ने डी कहा है, भानु से मैं पूछना चाहूंगा आपने डी क्यों कहा है, जॉन बी कह रहे हैं, विविडली आईक्यू ए कह रहे हैं, 49 का सिमरन ए कह रहे हैं, ओके राइट कहां से राइट, यहाँ भानु ने डी कहा है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या है ये, फाइनल पॉइंट क्या है, गया और वापस आ गया, फाइनल पॉइंट भी वही है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है विच इज जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है एक्चुअली वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अगर जीरो है, जीरो बाय कुछ भी करो आंसर जीरो आने वाला, तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में जीरो होगा जो कि ऑप्शंस में नहीं है, नन ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, गया और वापस आ गया तब द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड सो हम कह सकते हैं कि ये चीज इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। यस आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। 50th क्वेश्चन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सीज द यूनिवर्स इन व्हाट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट या रेडियो वेव्स, इनमें से कौन सा सही है, फटाफट से जवाब दे दो। यस जीरो होगा इस केस में। एंड यहां पर अगर हम देखें एकदम तेजी से आपको इसका जवाब देना है, ये पूछा जा रहा है जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो वो एक्चुअली इंफ्रारेड रेडिएशन से रिलेटेड है, आंसर यहाँ पर होगा ए, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट आप याद रख सकते हो, दिस वाज इन द न्यूज एंड इवन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा गया था, इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी से कहा जा रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशन इज द राइट आंसर। गन जब फायर किया जाता है इट एक्सर्ट्स अ फोर्स फॉरवर्ड ऑन द बुलेट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, फॉरवर्ड फोर्स जो है वो एक्सर्ट होती है एंड इसको हम क्या कहते हैं, गन फायर करने में बुलेट तो बाहर गई एंड देन वापस जो है फोर्स आती है, तो वो कौन से लॉ का एग्जांपल है ये पूछा जा रहा है। यस ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिया है, सी थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज द राइट आंसर, एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल, आई होप कोई डाउट इसमें नहीं है। 52 क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन रिब केज, कितने रिब्स होते हैं, 33, 12, 15 या 10, इनमें से कौन सा सही है, फटाफट से इसका जवाब दो। रिकॉइल ऑफ गन इज एन एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रिब्स कितने होते हैं ह्यूमन रिब केज में, ये पूछा जा रहा है, सिल्कॉट 12 कह रहे हैं एंड भावना यस 12, रेहांश का आंसर बी है, यस बहुत सही, बी 12 इज द राइट आंसर, ओके। कितने वर्टिब्रेट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, अगर आपको उसका नंबर भी पता है फटाफट से बता दो इन द चैट बॉक्स। स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रेट का नंबर भी अगर आपको पता है, कितने वर्टिब्रेट होते हैं बता दो मुझे, रिब्स जो है 12 होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल किसमें किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यस रोहित सही कह रहे हैं, रोहित का आंसर सही है, 33 वर्टिब्रेट्स होते हैं, 33 वर्टिब्रेट्स। इलेक्ट्रिक टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिक, हीट टू इलेक्ट्रिक या लाइट टू इलेक्ट्रिक, इनमें से कौन से सही है, फटाफट से जवाब दो इसका दोस्तों। 53 क्वेश्चन का जवाब, यस साहिल, अभिषेक, मनीषा जे सही कह रहे हो, 33 इज द राइट आंसर, 33 वर्टिब्रेट होते हैं इन द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ भावना का आंसर बी है, मोनिका बी कह रहे हैं, केमिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एब्सोल्युटली राइट, सेल में जो केमिकल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होते हैं, सिंपल। 54th क्वेश्चन, न्यूमोकोकल डिसीजेस, ये जो डिसीजेस हैं किससे रिलेटेड है, किसकी वजह से होते हैं, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ। न्यूमोकोकल, कॉकस, ये नाम जब सुनते हो तो किसकी याद आती है, इज इट फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ, न्यूज में था, बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अल्मन्यू ने स्किप किया है, 33 वर्टिब्रेट, 12 जो है रिबकेज, 29 स्कल के बोन्स, यस टू रिवाइज, बहुत बढ़िया, थैंक्स अ लॉट जे, थैंक यू सो मच।
बहुत अच्छा. ओके, यहाँ पर 54th के आंसर आने लगे हैं. मोस्टली सबने फंगस कहा है. निखिल बैक्टीरिया कह रहे हैं. न्यूमोकोकल डिसीजेस आर बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, टीबी इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. कंफ्यूज नहीं होना, कॉकस ये जो नाम है वो बैक्टीरिया से एसोसिएटेड, इट इज नॉट फंगस. बैक्टीरिया इज द राइट आंसर इन दिस केस. बैक्टीरिया न्यूमोकोकल डिसीजेस कहलाते हैं. बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड. After covering a short distance, the ball comes back to rest. The ball slows to a stop because. ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि जो बैट्समैन है उन्होंने बॉल हिट किया है एंड ये क्रिकेट बॉल ग्राउंड पर रोल होने के बाद वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है. यस, म्यूकोर माइकोसिस वो हम कह सकते हैं फंगस की वजह से. द बॉल स्लोस टू स्टॉप हो जाती है किसके वजह से. बैट्समैन जो है डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ. वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल. तीसरा है देर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. देर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वॉन्ट टू कम टू रेस्ट. ठीक है, डिफिकल्ट. यस सौरभ, बहुत बढ़िया सौरभ, सही, एकदम सही, यही लॉजिक है इस क्वेश्चन में. बाकी स्टेटमेंट हमें कंफ्यूज नहीं होना है. एक फोर्स होती है बॉल पर विच अपोजेस एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाता है. सी इज द राइट आंसर, नो कंफ्यूजन एट ऑल. ये बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है. 56th क्वेश्चन देखिए. दिस इज रिलेटेड टू नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस एंड स्टेटमेंट जो करेक्ट है आपको यहाँ पर चुनने. फ्रिक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. भावना अभिमन्यु सही. सही स्टेटमेंट चुनने हैं. दीज आर मोस्टली कम्युनिकेबल डिसीजेस और वो स्प्रेड होते हैं. इंडिया एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन सेवरल मेजर जो हमारे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस है उनका. दीज डिसीजेस आर कॉज्ड ओनली बाय वायरस. जब भी ओनली होता है थोड़ा सा ध्यान से हमें आंसर करना है इसको. मोनिका का आंसर ए है. भावना डी कह रहे हैं. सिलकॉट का आंसर सी है. बाकी लोग भी इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा. मोस्टली कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं. दिस इज राइट. इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन जो है इंडिया में है. मोस्ट ये डिसीजेस मोस्टली इंडिया में होते हैं. दैट इज ऑल्सो राइट. दीज डिसीजेस आर कॉज्ड ओनली बाय वायरस. ये चीज जो है सही नहीं है. ओके, तो यहां अगर हम देखें ओनली बाय वायरसेस इज नॉट करेक्ट. वायरसेस से होती हैं बट नॉट ओनली बाय वायरसेस. तो ए 1 and 2 इज द राइट आंसर. जहां प्रोटोजोअन डिसीजेस है, बैक्टीरियल है, राइट, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ वायरस. ए इज द राइट आंसर. यस, पढ़ना है भावना अच्छे से एंड हमें जो है जल्दीबाजी नहीं करनी. 57 देखो. टू स्टेटमेंट यहाँ पर. विच ऑफ दीज आर करेक्ट आपको चुनने हैं. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस लेकेड लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. बहुत सारी चीजें पूछ ली गई हैं यहाँ पर. कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है विथ वाटर टू प्रोड्यूस लेकेड लाइम. हमने अभी देखा था इसका फॉर्मूला है CaOH2. ठीक है, ये होता है और इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है क्या, ये पूछा जा रहा है. रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. फटाफट से जवाब दो. फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज कंफ्यूजिंग. ओके, मोनिका ए कह रहे हैं. सिमरन कह रहे हैं बोथ आर करेक्ट. सौरभ का आंसर ए है. बहुत बढ़िया वॉक्स, बहुत अच्छे. यहाँ पर आप देख सकते हो CaO and H2O ये कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म CaOH2. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कहेंगे इसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, राइट. इस वजह से सेकंड इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट. इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी दिया एंड सो ए इज द राइट आंसर इन दिस केस एंड इट इज एक्सोथर्मिक. यस, एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट रिलीज होती है. 58 देखते हैं. विच ऑफ दीज आर कॉल्ड फ्लूइड्स. फ्लूइड्स किन्हें कहते हैं हम. इज इट सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. फ्लूइड्स का डेफिनेशन क्या है. अभिमन्यु ने स्किप किया. ओके, नो प्रॉब्लम. ए वॉज द राइट आंसर. यस सिमरन, वो चीज जो है हमें अच्छे से पढ़नी है. भावना कह रहे हैं सी, दैट इज 2 and 3. फ्लूइड्स आर समथिंग दैट फ्लो. बहुत इजी. यहां पर हम एलिमिनेट किसको करेंगे, सॉलिड को. जैसे हमने एलिमिनेट किया, दो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर. लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ ऑफ देम फ्लो. इस वजह से दोनों को ही हम फ्लूइड्स कहेंगे. ओके, सॉरी, तो हमारा सही जवाब हो जाता है सी. सी इज द राइट आंसर. बोथ ऑफ देम फ्लो. सॉलिड डू नॉट फ्लो, तो सॉलिड हम एलिमिनेट कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. अब आपको जवाब देना. म्यूकोर माइकोसिस जो है इट इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय व्हाट. बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या प्रोटोजोआ. फटाफट से इसका जवाब दो. भावना कह रहे हैं बी. अब आपको इसका जो है सही जवाब देना है. यस एंड बी इज द राइट आंसर इन दिस केस. अभिषेक कह रहे हैं यस, बी इज राइट. फंगस इज द राइट आंसर. अभी अभी हमने देखा म्यूकोर माइकोसिस इज रिलेटेड टू फंगस. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इसे हम क्या कहते हैं. हीट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या थर्मल कैपेसिटी. थोड़ा सा ध्यान से इसका भी जवाब देना है.
तो ये जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन म्यूकोरमाइकोसिस वाला भी इंक्लूड किया, सो दैट कंफ्यूजन हमारा रिमूव हो जाए, बिल्कुल भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 61, विच ऑफ दीज इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। डिसकलरेशन ऑफ एक्सपोज्ड फूड सब्सटेंसेस, डिसकलर हो जाते हैं कट पोटैटो वगैरह, तो ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, ये कहा जा रहा है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। चेंज जो परमानेंट नहीं है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं, ये कहा गया है। भावना का आंसर बी है, मनीषा आई थिंक आप 61 का जवाब दे रहे हो बी, जॉन का आंसर डी है, जे कह रहे हैं डी, अभिमन्यु बी कह रहे हैं, सिमरन का आंसर भी है, सौरभ डी कह रहे हैं। देखते हैं, डिस्कलरेशन ऑफ एक्सपोज फूड सब्सटेंसेस कट पोटैटो, पोटैटो जब कट करके रखा जाता है वो ब्राउन कलर हो जाता है। इवन एप्पल्स के बारे में आप जानते होंगे, वो हमारे लिए अच्छा एग्जांपल है, तो एप्पल जो है ब्राउन हो जाते हैं। क्या वो रिवर्स हो सकते हैं, क्या वो टेम्पररी चेंज है? अगर वो रिवर्स हो सकते हैं, अगर वो टेम्पररी चेंज है तब ही उसे हम फिजिकल कहेंगे, वरना उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, राइट? रिवर्स नहीं कर सकते, टेम्पररी चेंज नहीं है, तो इट इज केमिकल चेंज। पहला स्टेटमेंट गलत है। चेंज विच इज नॉट परमानेंट, ये सभी मैंने कहा, अगर वो टेम्पररी चेंज है विच इज नॉट परमानेंट उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं, तो ये सही है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के ये डिफरेंसेस है। यस प्रियंका, यस सिमरन, सही, राइट? एक्चुअली केमिकल इज परमानेंट, जॉन ये देख लेना, राइट? तो यहां पर अगर हम देखें, टू ओनली इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके? यस, ये चीज आपको देखनी है। क्वेश्चन 62, अ ब्लड क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल्स इन द ब्लड विच आर कॉल्ड व्हाट? रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन। फटाफट से जवाब दो इसका, एकदम तेजी से आपको जवाब देना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नहीं जॉन, एक्चुअली परमानेंट चेंजेस जो है केमिकल चेंजेस है। फिजिकल चेंजेस लाइक आइस टू वॉटर क्या होता है, रिवर्स आप कर सकते हो, वॉटर को फिर से आइस बना सकते हो, राइट? इसे हम फिजिकल कहते हैं, ये टेम्पररी चेंजेस है, राइट? यस, यहाँ पर अगर हम देखें, यस सी प्लेटलेट्स इज द राइट आंसर, ब्लड क्लॉट में ये प्लेटलेट्स होते हैं। 63 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी के बारे में पूछा गया है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो सीएनजी का है वो इथेन है। नेक्स्ट है, सीएनजी एमिट्स अ लोअर परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इसीलिए हम इन्हें यूज करते हैं इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल फ्लूइड्स फ्यूल्स, सॉरी नेचुरल गैस यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एनटी में कई बार पूछा गया है एंड इवन एचएएस में पूछा जा सकता है। यस, आई कह रहा हूं मीथेन, नॉट इथेन, यस ब्यूटेन, राइट? यहां अगर हम देखें, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो सीएनजी का है वो है मीथेन, इट इज नॉट इथेन, CH4, मीथेन इज द राइट थिंग, तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है। सीएनजी, यस, इसी वजह से हम उसे यूज भी करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट होते हैं। यस, नेचुरल गैस का यूज हम फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं, ठीक है? 2 and 3 आर करेक्ट, एंड सो बी इज द राइट आंसर, और इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। अबाउट 93.05% मीथेन होता है इसमें, दैट इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग। या कुछ केसेस में ब्यूटेन भी होता है, बट मेनली मीथेन इज जो है करेक्ट है, अगर हम सीएनजी की बात करें। यहाँ देखो, विच ऑफ दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा गया है। स्टेम सेल्स की बात की गई है, दे कैन डिवाइड ओवर एंड ओवर अगेन टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, स्टेम सेल्स जो है न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन चेंज इनटू डिफरेंट टाइप्स, अदर टाइप्स ऑफ सेल्स दैट मेकअप द ह्यूमन बॉडी, ये कहा जा रहा है। आगे स्टेम सेल ट्रांसफर टेक्निक जो है इसे कैंसर क्योर करने में यूज किया जाता है, ये कहा गया है। फटाफट से इसका जवाब दो। यहाँ 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो रही है, साहिल कह रहे हैं राइट, रीजनरेटिव सेल्स, वॉक्स कह रहे हैं डी, निखिल का आंसर डी है, भावना ओके रीजनरेटिव सेल्स कह रहे हो आप, स्टेम सेल्स। सीता, आई होप मैं आपका नाम से बोल रहा हूँ, डी आपका आंसर है, अभिषेक डी कह रहे हैं, जे का आंसर डी है। फटाफट से देखते हैं, स्टेम सेल्स सॉरी दे कैन डिवाइड ओवर एंड ओवर अगेन, ये सही है। दूसरा भी सही है कि स्टेम सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स में वो डिवाइड होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट? तो इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, स्टेम सेल
ट्रांसफर टेक्निक कैंसर क्यूर करने में यूज किया जा सकता है। वेरियस अदर जो डिसीजेस हैं, जेनेटिक डिसीजेस के क्यूर करने में भी यूज किया जा सकता है। इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली स्टेटमेंट जो है सही होते हैं, तीनों ही सही हैं, सो डी इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। साहिल तीसरा स्टेटमेंट सही है। 65 देखते हैं। टोकामाक, ये रिसेंटली न्यूज में था, किस चीज से रिलेटेड है? जीएम क्रॉप, एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, न्यूक्लियर फ्यूजन या स्पेस एक्सप्लोरेशन? इनमें से कौन सा सही है? जगदीश, डी इज द राइट आंसर। जे, सही कह रहे हो, राइट। तो ये देखो, टोकामाक इससे रिलेटेड पूछा गया है। जीएम क्रॉप्स, एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, न्यूक्लियर फ्यूजन या स्पेस एक्सप्लोरेशन, इनमें से कौन सा सही है? भानु का आंसर सी है, सिमरन डी कह रहे हैं, भावना सी कह रहे हैं, ओके, जे का आंसर सी है। यहाँ देखो, टोकामाक जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड है, ओके। इस आर्टिफिशियल सन भी कहा जा रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इस चीज में हो रहा है, यू शुड नो द वर्ड एसोसिएशन। 66 देखिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, ईओएस 04, इसको कौन से पीएसएलवी में लॉन्च किया गया है? पीएसएलवी सी, 50, 52, 48 या 51, इनमें से कौन सा सही है? फटाफट से जवाब दे दो। इस तरह के क्वेश्चन हम एनटी में देखते हैं कई बार, तो ये जो लॉन्चेस है इसके बारे में आपको बताना चाहिए। 66 का आंसर बी आ रहा है, मोनिका वॉक्स ने बी कहा है, भावना पीएसएलवी C52 बी कह रहे हैं आप, यस C52 इज द राइट आंसर। US-04 इज रिलेटेड टू पीएसएलवी C52, भूलना मत। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इनके बारे में भी न्यूज आई थी। ये ऐसे रिएक्टर्स है जिनकी पावर कैपेसिटी, तो लार्ज रिएक्टर्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बट देन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की पावर कैपेसिटी कितनी है पर यूनिट, कितना मेगावाट पावर जो इलेक्ट्रिक पावर है वो जनरेट करते हैं? इज इट 100, 10, 200, 300? क्यों पूछा गया, न्यूज में था, ओके, फटाफट इसका जवाब देना। 67 बॉक्स जो है डी कह रहे हैं इसका आंसर, भावना डी बट नॉट श्योर, अब श्योर हो जाएगा भावना। कविता कह रहे हैं बी, ओके, साहिल का आंसर डी है, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 300 मेगावाट इज राइट। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की कैपेसिटी 300 मेगावाट होती है, दिस वाज इन द न्यूज, एंड सो डी इज द राइट आंसर, पढ़ लेना चाहिए आपको। 68 देखिए, विद रेफरेंस टू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV से रिलेटेड पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन जो कि न्यूज में थे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, देयर आर चांसेस कि ये पूछे जाए। स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं, ये 3 स्टेज जो है लॉन्च व्हीकल है, सारे स्टेजेस सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं। इट हैज कैपेसिटी ऑफ 500 kg, सैटेलाइट को जो है 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने की कैपेसिटी है इसकी। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट 110 टन मास जो इसरो का है, इसमें पूरी सीरीज में हम कह सकते हैं कि ये है, ओके। SSLV के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर, 68 के आंसर सिलकॉन ने सबसे पहले दिया है, डी कह रहे हैं, भावना डी कह रहे हैं, सिमरन का आंसर बी है, बॉक्स डी रोहित, ओके। यहाँ यस इट इज अ 3 स्टेज, ऑल सॉलिड, 3 स्टेजेस है, सभी में सॉलिड फ्यूल यूज किया जा रहा है। इट हैज कैपेबिलिटी टू लॉन्च अप टू 500 kg सैटेलाइट मास, जो कि 500 किलोमीटर्स तक जा सकता है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, उस एल्टीट्यूड तक पहुंचाया जा सकता है। 110 मास का इसरो का स्मॉलेस्ट लॉन्च व्हीकल है, ऑल आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 69, विच ऑफ दीज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कालाजर, ये भी न्यूज में था। इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है किसे एलिमिनेट करेंगे हम 2030 तक फ्रॉम द कंट्री। ये ट्रॉपिकल डिसीज है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इट अफेक्ट स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी गई हैं, लॉन्च्ड बाय SSLV, यस। यहाँ देखो, 3 स्टेटमेंट्स कालाजर से रिलेटेड, इसको हम एलिमिनेट करेंगे बाय 2030, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है ट्रॉपिकल डिसीज है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया या स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो जो है इसको अफेक्ट करता है, ये चीज पूछी गई है इन द थर्ड स्टेटमेंट, ओके। 4th स्टेटमेंट, इट इज एंडेमिक टू बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, डिफिकल्ट, बट देन ये स्टेटमेंट्स में से कोई एक भी अगर आ गए तो यू शुड बी एबल टू आंसर। इंडियन गवर्नमेंट ने नॉट 2030 बाय नेक्स्ट ईयर, इनफैक्ट 2023 तक इसे एलिमिनेट करने का बात कहा गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, इट इज नॉट बैक्टीरिया, अगर आप लोग मुझे बता सको। यस, प्रोटोजोआ, निखिल बहुत बढ़िया, निखिल एकदम सही, इट इज नॉट बैक्टीरिया, ठीक है, दूसरा भी गलत है। सो हमारे सही ऑप्शंस हो जाते हैं 3 और 4, सी इज द राइट आंसर इन दिस केस। अभिषेक सी सही कह रहे हो, जे का आंसर सी सही है, सिमरन का भी सी सही है, यस 2030 इज नॉट राइट, यस यस। क्वेश्चन 70 देखते हैं, यहाँ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लंपी स्किन डिसीज, ये पूछा गया है। इट इज कॉज्ड बाय वायरस, इन्फेक्ट्स कैटल एंड वाटर बफेलो मेनली थ्रू वेक्टर्स, ये चीज कही गई है।
इट इज अ जूनोटिक डिसीज। फटाफट से इसका जवाब दें। यस श्योरली जलज, वील डू दैट। यहाँ पर पूछा गया है थ्री स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू लंपी स्किन डिसीज, दो की। पहला है वायरस की वजह से होता है, इट इन्फेक्ट्स कैटल एंड वाटर बफेलो मेनली थ्रू वेक्टर्स। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये एक जूनोटिक डिसीज है, राइट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, वायरस के वजह से होता है, सही। कैटल एंड वाटर बफेलो को इन्फेक्ट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट तीसरा देखो, जूनोटिक डिसीज नहीं है। जूनोटिक क्या है? एनिमल से अगर ह्यूमन बींग्स में आता है देन इट इज कॉल्ड जूनोटिक। तो ये जूनोटिक नहीं है, ह्यूमन बींग्स में नहीं आ रहा है। तो वन एंड टू आर ओनली करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। 71 स्टेटमेंट देखते हैं, थ्री सिंगापुरियन सैटेलाइट्स ये लॉन्च किए गए हैं इंडिया के द्वारा, और ये सेकेंड कमर्शियल मिशन होगा NSIL का। तो PSLV C51, 49, 52 और 53 में से किस के द्वारा ये लॉन्च किया गया? भावना का आंसर आ गया डी कह रहे हैं, PSLV C53 कह रहे हैं। बाकी लोग का भी आंसर देखते हैं, वॉक्स जो है स्किप कर रहे हैं इसे, राइट। डी इज द राइट आंसर दोस्तों, PSLV C53 के थ्रू जो है ये लॉन्च किया गया है थ्री सिंगापुरियन सैटेलाइट्स, ये मत भूलिएगा। अभिषेक एंड सिमरन का आंसर यहाँ पर सही है। 72 देखते हैं, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मंकी पॉक्स, ये एक वायरल डिसीज है। नो केसेस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑब्जर्व किए गए हैं आउटसाइड अफ्रीका, अफ्रीका के बाहर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑब्जर्व नहीं किया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम सही जो है आप आंसर कर सकते हो इसे। भावना ने कहा है, वॉक्स सी कह रहे हैं, अभिषेक ये कह रहे हैं, जगदीश का आंसर है यस, दिस इज फाउंड इन अदर कंट्रीज इवन इन इंडिया। तो वायरल डिसीज सही है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, वन ओनली इज द राइट आंसर। 73 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट रिसेंटली इन्होंने स्पेस टेक फ्रेमवर्क ये लेकर आए हैं, इज इट आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका या तेलंगाना? ओके, स्पेस एक एक्चुअल एक ऐसा अरेना है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, बट देन एक स्टेट जिसने इसमें कदम रखा है, कौन सा स्टेट है ये? 73 का आंसर भावना ने तेलंगाना दिया है। TS कह रहे हैं, निखिल एब्सोल्युटली करेक्ट, तेलंगाना स्टेट, TS इज द राइट आंसर, तेलंगाना सही होगा। D इज द राइट आंसर, AP नहीं है, B नहीं है, तेलंगाना इज द राइट आंसर। 74 देखो, GSAT-7B विच इज बींग प्लान टू बी लॉन्च इन द नियर फ्यूचर बाय इसरो, ये किससे रिलेटेड है? डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थ ऑब्जर्वेशन फॉर एग्रीकल्चर, मिलिट्री एप्लीकेशंस या सैटेलाइट नेविगेशन, इनमें से कौन सा सही है? GSAT-7B के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा ये न्यूज में था, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। भावना ने इसका आंसर सी दिया है, वॉक्स सी कह रहे हैं, निखिल का आंसर सी है, यस मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए है ये, सी इज द राइट आंसर। 75th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? ओवरी, ओव्यूल, स्टैमेंस एंड पिस्टिल, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इनमें से कौन सा है? सही से आपको इसका जवाब देना है। भावना सी कह रहे हैं, यस अभिमन्यु, मिलिट्री इज राइट, सिल्कॉट, स्टैमन कह रहे हैं, वॉक्स का आंसर सी है, राइट, स्टैमन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दीज वर योर 75 क्वेश्चंस एंड इसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया गया है। लेट मी अगेन रिमाइंड यू कि आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका प्राइस 299 ड्रॉप आया है एंड 14th अक्टूबर तक ये ऑफर है, राइट। तो आप इसको अवेल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसके जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल ड्रॉप कर सकते हो आप hello@edutab.co.in पर। होमवर्क क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इतने क्वेश्चन से जो है मेरा मन नहीं भरा, सो आई गॉट 5 क्वेश्चंस फॉर यू होमवर्क, जो कि आपको जवाब देना है इन द कमेंट सेक्शन, राइट। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्टेब्रे इन द ह्यूमन बॉडी ये कितने हैं? आपको ये जो है PDF में मिल जाएगा, या फिर वीडियो को आप रिवाइंड करके एक बार इन क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। 77 जहां पूछा गया है, विच ऑफ दीज प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द स्टोमेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल जाइलम के थ्रू होता है इन द प्लांट्स, कैप्चर ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज पूछी गई है, इसका जवाब आप चैट जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें दीजिएगा। फोटोसिंथेसिस में इनमें से कौन से प्रोसेसेस होते हैं वो पूछा गया। 78 मैंने पूछा है, विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विनेगर एसिटिक एसिड है, कर्ड लैक्टिक एसिड है, सोप सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिट्रस फ्रूट्स में फॉर्मिक एसिड होता है, ओके ये चीजें पूछी गई हैं, करेक्टली मैच्ड इसमें कौन सा नहीं है वो पूछा जा रहा है। 78 का भी जवाब आप जो है कमेंट जो हमारा बॉक्स है उसमें देंगे। विच ऑफ दीज इज करेक्ट, वास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, उसे हम जाइलम कहते हैं,
फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फूड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू समथिंग कॉल्ड फ्लोएम. ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर अब्सॉर्ब होता है प्लांट रूट्स के द्वारा. ट्रांसपिरेशन हीट्स द प्लांट. इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है वो पूछा जा रहा है. 1 and 2, 2 and 4, 2 and 3 है, 3 and 4. ठीक है, इस वीडियो को जो है एक बार रिवाइंड करके इनको आप पढ़ सकते हो. 80 एंड लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल वायर यूज्ड इन फ्यूज. इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज हाई रेसिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, नन ऑफ द अबव. ओके राइट, यहाँ पर आप जवाब दे रहे हो. यू कैन ऑल्सो आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. इनके आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी. विद दैट नोट अलाउ मी टू एंड दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों. बहुत अच्छे से करना एग्जाम जो है, आप बहुत अच्छे से करोगे. द वे यू आर पार्टिसिपेटिंग, जिस तरीके से आप लोगों ने आंसर किया है, आई होप आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे. कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना मत भूलना. राइट दोस्तों, अलाउ मी टू एंड दिस सेशन ऑन दिस नोट. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय हिमाचल.